जनाब थोड़ी सी खामोशी और फिर थोड़ी सी तवज्जो, तीसरी बार ये रिपीट नहीं करूंगा। सबसे पहले हम अपनी इस महफिल का आगाज, मेरी पहचान पाकिस्तान का आगाज अल्लाह के पाक नाम से करेंगे और अल्लाह के इस पाक नाम और इस तलावत के लिए मैं शहराज अब्बासी साहब को वेलकम करूंगा। जी शहराज भाई। أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أنزلناه في ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر صدق الله العلي العظيم جزاك الله। थोड़ी सी आप लोगों को तकलीफ दे रहा हूँ, पाकिस्तान का नेशनल एंथम है तो मेरा ख्याल है बादब तरीके से अगर हम लोग खड़े हो जाएं। जीवे पाकिस्तान। किसी तूफान से डर लगता नहीं अब, मुझे मौजों से लड़ने का अंदाज आ गया। सबसे पहले मैं आप लोगों को सिर्फ ये चीज रियलाइज करवा दूं, वो एहसास और वो फख्र आप लोगों तक पहुंचा दूं जिस पर आप लोग खुद अपने आप पर जितना फख्र करें वो कम है। अगर आप इस वक्त हॉल के दाएं और बाएं नजर लगाएं, अल्हम्दुलिल्लाह 70% फैमिलीज आर विद अस। दैट्स द ब्यूटीफुल पार्ट ऑफ माई शो। मैनचेस्टर में भी हमने शो किया, लंदन में भी किया, अमेजिंग फैमिलीज ने अपनी परफॉर्मेंसेज वहाँ पे इन्वॉल्वमेंट दी और अपना पूरा इनपुट दिया। और माशाल्लाह जिस तरीके से आज अगर आप दाएं बाएं देखें तो रंग बिरंगी आपको अपने पाकिस्तानी और एशियन लिबास नज़र आएंगे। और माशाल्लाह हमारी जो फैमिलीज हमें नज़र आ रही हैं, यकीन करें कि ये वो फख्र है जो लाइव जाएगा इंशाल्लाह ऑन एयर। रिकॉर्डिंग्स जब दुनिया को नज़र आएंगी तो लोगों को पता लगेगा कि वाकई बरतानिया के अंदर वो पाकिस्तानी जिंदा है जो अपनी पाकिस्तान की पहचान और अपनी लेगेसी के लिए मेहनत कर रहे हैं। आप लोगों की यहाँ पे शिरकत इस बात का सबूत है कि हमें अपनी लेगेसी को ज़िंदा करना है। हमारे ये छोटे छोटे बच्चे जी, ये चहकते ये सितारे, इन्हें आज इस बात का एहसास हो जाना चाहिए कि हमारा पाकिस्तान हमारी पहचान है। भले हम जितने मर्जी पासपोर्ट बदल लें, जितनी मर्जी शहरियत बदल लें, लेकिन वो जगह जहाँ से 23 मार्च 1940 का एक सपना शुरू हुआ और 14 अगस्त 1947, आपको पता है कितनी कुर्बानियाँ दी गई इस पाकिस्तान के लिए? More than 5 millions। यू कांट बिलीव इट। ये दुनिया की तारीख का और दुनिया की हिस्ट्री का वाहिद मुल्क है जो सिर्फ एक लफ्ज़ पाकिस्तान और एक कायदे आज़म रहमतुल्लाह अलैह की एक आवाज़ पर
एक जगह से दूसरी जगह माइग्रेट किए, एंड यू कांट बिलीव मोर देन, यानी जो उसके अंदर जिन लोगों की सबसे ज़्यादा कुर्बानियाँ वो आप फीमेल्स हमारी माओ बहनों और बच्चियों की हैं। हमारे नौजवान तो लड़ सकते थे लेकिन हमारी बच्चियाँ लड़ नहीं सकती थी, उन्होंने बहुत बड़ी कुर्बानी दी इस पाकिस्तान के लिए। और आज आप लोगों की अक्सरियत माशाल्लाह, मेल और फीमेल अगर अपनी काउंटिंग करें तो हमारी फीमेल्स अक्सरियत में है, ये इस बात का सबूत है कि आज भी आप लोग पाकिस्तान को अपने दिल से ज़्यादा चाहते हो और आप चाहते हो कि बरतानिया के अंदर पाकिस्तान की लेगेसी कायम हो, और आप लोगों को इस बात का एहसास हो कि हम दुनिया में किसी से कम नहीं है। मैं एक मिनट और ले रहा हूँ। पाकिस्तान एक वाहिद कौम है पूरी दुनिया में जिसने इंजीनियरिंग, एजुकेशन, मेडिसिन, साइंटिस्ट, ये दुनिया की वाहिद कौम है जिसने पूरी दुनिया को सर्व किया है। आप दुनिया के किसी नक्शे में किसी मुल्क की तारीख उठा लें, यू विल फाइंड योर पाकिस्तान इज़ ओवर देयर। दैट्स द प्राउड ऑफ पाकिस्तान, और यही वो डर है पूरी दुनिया को पाकिस्तान से। पाकिस्तान को कोई बीट कर नहीं सकता। बात है कि हम लोगों के अंदर वो हौसला है जिसमें पंजाबी में कहता हूँ कि तके नाल मनवाना सानू आता है, एंड अल्हम्दुलिल्लाह वी हैव डन इट। अस्सलाम वालेकुम खवातीन व हज़रात, मेरा नाम नाहिद इकबाल है, मैं इस प्रोग्राम की ऑर्गेनाइज़र हूँ, और मैंने और वकार भाई ने मिलकर इस प्रोग्राम को लास्ट 3 मंथ से ऑर्गेनाइज़ करने की अपनी तरफ से भरपूर कोशिश की है, और आज आप लोगों के आने की वजह से हमें लगता है कि हमारी कोशिशें कामयाब हुई हैं। मेरी पहचान पाकिस्तान के हवाले से आज की ये झिलमिलाती शाम, ये चांद से रोशन चेहरे, ये पुरअज़्म शख्सियात जो हमारे सामने बैठी हुई हैं, ये सब एक नेक मकसद के लिए यहाँ यकजा हैं, और वो मकसद है मेरा, आपका, सबका पाकिस्तान। तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, तौहीद का नारा है, उम्मीद का परचम है, अपनी मेरी धरती है, अपना मेरा मौसम है, इस देश पे मैं कुर्बान इसकी ही दीवानी हूँ, मैं अपने बुज़ुर्गों के ख्वाबों की निशानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ, मैं पाकिस्तानी हूँ। मुझे अपने पाकिस्तानी होने पे बहुत फ़ख्र है, और आज अब सब लोगों ने इस प्रोग्राम में शिरकत करके मेरी पहचान पाकिस्तान को इस चीज़ के लिए बाइस फ़ख्र बनाया है कि हम सब किसी जगह चले जाएं, किसी मुल्क चले जाएं, कोई भी लिबास पहन जाए पहन लें, पर हम रहेंगे पाकिस्तानी। सो आप सब लोग का इस महफिल में बहुत बहुत खुश आमदीद, और वकार साहब कुछ कहेंगे आप? बहुत रिस्पेक्टेबल गेस्ट हैं, बहुत लंबी लिस्ट है, अगर मैं अपनी VIPs का अगर नाम लेना शुरू कर दूँ तो ये लिस्ट ख़त्म ना होने पर आएगी, लेकिन फिर भी चंद लोगों का नाम लेना बहुत ज़रूरी है। कौंसलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान शेर बहादुर खान साहब, थैंक यू वेरी मच कि आप लोग विद फैमिली आपने हमें ये ऑनर दिया। अदरवाइज देखने में यही आता है कि आप इंडिविजुअली जाके बैठते हैं, बट यू गिव अस अ ग्रेट ऑनर टू द पाकिस्तान, द पीपल्स ऑफ पाकिस्तान। आप अपनी फैमिली के साथ आए हैं, ये सबसे बड़ी मेरे लिए ऑनर की बात है। सेकेंड मेरे ऑनरेबल गेस्ट लॉर्ड मेयर इलेक्टेड शफीक शाह साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर, बहुत खुशी होती है जब आप लोग इस तरह के फंक्शंस में आकर हमें सपोर्ट करते हैं, वी बिलीव इट। मैंने आपको पहले कहा था कि पाकिस्तान ने दुनिया में सर्व किया है, इलेक्टेड लॉर्ड मेयर, ही इज़ बेसिकली फ्रॉम पाकिस्तान, सो दैट्स द ब्यूटी ऑफ पाकिस्तान कि हम लोग इस सिस्टम का हिस्सा हैं, एंड द पीपल ऑफ पाकिस्तान आर रिप्रेजेंटिंग दिस सिस्टम। एक शख्स का नाम लेना बहुत ज़रूरी है, ये जितने आप चेहरे देख रहे हैं और ये जितनी गैदरिंग है, नो डाउट मेरे और नाहिद का एक अपना रोल है, हमारे जो सिंगर्स हैं जो पार्टिसिपेंट्स हैं उनका अपना एक रोल है, लेकिन बर्मिंघम में अगर हमें किसी ने टेंशन फ्री लाइफ दी है ना, ये टेंशन बहुत बड़ी चीज़ है, उस शख्स का मैं नाम लेना ज़रूर चाहूँगा इन दो ऑनरेबल गेस्ट के साथ, उबैद अली खान, वाइस प्रेजिडेंट बार्कलेज बैंक, ही इज़ द वन ऑफ द बेस्ट पर्सन आई हैव सीन इन माई लाइफ, नो डाउट, यू ऑल ऑफ द पीपल आर बेस्ट। लेकिन मैं 30 सेकेंड इस शख्स के लिए स्टे ले रहा हूँ, यू हैव टू रियलाइज इट, कोई किसी के लिए अपनी जान, अपना टाइम और अपना वक्त नहीं सर्व करता, बट ही इज़ द पर्सन हु सर्व्स मैनी मैनी आवर्स फॉर पाकिस्तान, फॉर मेरी पहचान पाकिस्तान इन दिस रीजन बर्मिंघम, एंड गिव अस द गारंटी यू विल सी द पीपल। थैंक यू उबैद भाई, एंड यू आर विद योर फैमिली, दैट्स अ ग्रेट ऑनर फॉर मी। चले जी, और शुक्रिया कर दें या परफॉर्मेंस की तरफ चले जाएं? मेरी पहचान पाकिस्तान की टीम की तरफ से
मिस्टर फयाज गफूर ARY, मिस्टर ताहिर समा TV, मिस्टर सुहेल एपेक्स TV, HP सोलिसिटर की तरफ से एतजाज साहब, मिस्टर तलहा साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस प्रोजेक्ट को यहाँ तक लाने में बहुत ज़्यादा हेल्प की। ईस्ट एंड वेस्ट से हाजी साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, असलम तवक्ली साहब का बहुत शुक्रिया, OPS से जावेद मलिक साहब का बहुत बहुत शुक्रिया, मिस्टर आदिल एंड जॉन फ्रॉम टेड नेक्स्ट, बार्कले बैंक से उबैदला खान साहब का बहुत बहुत शुक्रिया जिन्होंने हमारे इस मकसद को पाया तकमील तक पहुँचाने में हमारी बहुत हेल्प की, चौधरी तब्रेज़ औरा साहब, हमारी एंटायर टीम ऑफ द मेरी पहचान पाकिस्तान, राजा काशिफ साहब, रवायत, इमरान, निकी, हमारा पूरा लाइव बैंड, राहत हमारे आज के ऑफिशियल फोटोग्राफर्स, जाहिद खटक साहब, जाहिद बाजा साहब, जाहिद साहब, माशाल्लाह बहुत से ऐसे नेम हैं जिनके बाकी अगर हम नेम लेना शुरू कर दें तो हमें अगला जो नेक्स्ट हाफ एन आवर है वो हमें लोगों का शुक्रिया करने में लग जाएगा। आप लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने इस मकसद को कामयाब करवाया। जी जो स्पॉन्सर्स चलें वकार भाई कहते हैं हमारे जो तीन मेन स्पॉन्सर्स हैं उनका हम दोबारा शुक्रिया अदा करते हैं, मिस्टर एतजाज साहब, मिस्टर तलहा साहब फ्रॉम HB सोलिसिटर्स, मिस्टर तस्लीम साहब फ्रॉम शेक्सपियर, मिस्टर हाजी साहब फ्रॉम ईस्ट एंड वेस्ट। चलें फर्स्ट परफॉर्मेंस के लिए हमारे पास एक इस गुलदस्ते में एक बहुत ही प्यारा फूल है जिसका नाम है इमरान। इमरान आप स्टेज पर आएंगे और हम स्टेज छोड़ते हैं, आप इमरान को एंजॉय करें। थैंक यू। अपने प्रोग्राम का आगाज़ मैं एक बहुत ही अच्छे कलाम से करना चाहूँगा। मेरे जहन में दो बातें हैं, एक तो पाकिस्तान का एक अमानत अली खान साहब का गाया हुआ एक कलाम है, ए वतन प्यारे वतन। दूसरा मेरे में जहन में आ रहा है कि मैं प्रोग्राम को पहले अल्लाह ताला के बबरकत नाम से शुरू करूं, हमद बारी ताला के एक स्थाई अंतरा में आपको लाजमी सुनाऊं एक शेर। नजर नजर भी रखे समाते भी वजह जो खाना ना शोर में जगमगा रहा है वही खुदा है, वही वही खुदा है, वही खुदा है, कोई तो है जो निजाम हस्ती, कोई तो है जो निजाम हस्ती चला रहा है, वही खुदा है, दिखाई भी जो न दे नजर भी
वो रहा है वही खुदा, वही खुदा, वही खुदा है, वही खुदा है। रात को दिन बना रहा है वही खुदा है, वही खुदा है, वही खुदा है, वही शुक्रिया। मेरे भाई ने बहुत अच्छी बात की कि अल्लाह का नाम जो है वो बहुत बुलंद है, तो अपनी जो है नाजुक सी तबीयतों को जब अल्लाह का नाम आए तो उस वक्त इग्नोर कर दीजिएगा। मेरे भाई जरा दोबारा नारा लगवाए ताकि मिलके हम सारे बेशक अल्लाहु अकबर बेशक बेशक अल्लाहु अकबर या रसूल अल्लाह या अली La 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 da 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 Ae watan paak watan Ae watan paak watan paak watan paak watan ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन पाक वतन। तालियां आप लोगों की साथ साथ होनी चाहिए। ये मोहब्बत भरी तालियां हैं, लेकिन जोशीली तालियां हम बाद में आपसे कहेंगे आपको बजाने के लिए। ऐ वतन पाक वतन पाक वतन ऐ मेरे प्यारे वतन ऐ वतन पाक वतन। पाकिस्तान के फ्लैग्स किधर हैं? एक ही बच्ची ने पकड़ा हुआ और किसी के हाथ में नहीं है। फ्लैग्स पाकिस्तान के साइड पर रखती है शायद।
सुते हैं मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर, सुते हैं मेरी तमन्नाओं की दुनिया पर, अस्म मेरा कभी मेरे इरादे सुखर है मेरे प्यारे वतन, ऐ वतन पाक वतन। ताजा चमन तू दिल अफरोज बहारों का तरो ताजा चमन, तू महकते हुए फूलों का सुहाना गुलशन, तू नवारे अनादिल का बहारी मस्कर, रंगों से मामूर तेरे कदम, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन, पाक वतन, पाक वतन, ए मेरे प्यारे वतन, ए वतन पाक वतन। थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। लीजिए जी, एक पंजाबी गीत है बहुत मशहूर, मेरे बड़े अच्छे दोस्त उन्होंने गीत बड़ा मशहूर है नदीम का, उम्मीद है तुम सब नू गीत पसंद आएगा। मिली नगबा भी मैं तुम सुनाया हम दुबारी तारा ते नाम तो मैं प्रोग्राम आगाज किया, तो पेशे खिदमत जी पंजाबी गीत ताड़े वास्ते। जिंद ना मैं कर दांगा ते मर जाऊंगा, ओ माड़ा है ते माड़ा से यार जो है, प्यार जो है क्यों मैये दा क्यों ढोले दा, क्यों मैये दा क्यों ढोले दा, गिला करा मैं ता लखवार बिस्मिल्ला करा, ओ बिस्मिल्ला करा, बिस्मिल्ला करा, बिस्मिल्ला करा, बिस्मिल्ला करा, ओ माड़ा ते माड़ा से यार जो है
कुछ भी होए साडा प्यार जो है क्यों माये दा क्यों डोले दा क्यों माये दा क्यों डोले दा गिला करा मैं तलक बार बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा आप लोग तालियां नहीं बजा रहे बाजार च फुल ले ले ओ ओ बाजार च फुल ले ले ओ लजे तो बिक देवे ओ बंदा सजड़ा नु मुल ले ले चंगे होवन यार ते होए कोई लड़दाए ताइयों सारा शहर मेरे नल लड़दाए ओ चंगे होवन यार ते होए कोई लड़दाए ताइयों सारा शहर मेरे नल लड़दाए ओ सारे तो वड्डा फनकार जो है साडा यार जो है क्यों माएगा क्यों डोलेगा क्यों माएगा क्यों डोलेगा गिला करा मैं तले तुम्हार बिस्मिल्ला करा ओ बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा बिस्मिल्ला करा ओए गाने की एक फरमाइश है जी, वो भी मैं आप लोगों को सुना देता हूं। मल्टी सिंगर्स ने ये गाया है, बहुत से सिंगर्स ने, तो अल्लाह ही जाने किसका गाना है। ए रंग कदे नहीं पाया तू पाके नहीं अजमाया। मैंने टाई तक आजमाया है, उसके बाद देखते हैं। ए रंग कदे नहीं पाया तू पाके नहीं अजमाया। अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, अज काला जोड़ा पा साड़ी फरमैश ते, ए रंग कदे नहीं पाया
तू पाके नहीं अजमाया ओए रंग कदे नहीं पाया तू पाके नहीं अजमाया अज काला जोड़ा पा साड़ी परमेश ते सरा पाके सामने आ साड़ी परमेश ते सुरमीली डोला गोरिया बोरिया गुलफा सुरमीली डोला तैको आप चलग सी तो तब्दीली डोला थोड़ा थोड़ा सुरमा पा पौ मिंता ना करवा थोड़ा थोड़ा सुरमा पा पौ मिंता ना करवा बज गाला जोड़ा काला जोड़ा पा साड़ी परमेश ते जरा पाके सामने आ साड़ी परमेश ते ए रंग कदे नहीं पाया तू पाके नहीं समाया ए रंग कदे नहीं पाया तू पाके नहीं समाया अज काला जोड़ा पा साड़ी परमेश ते जरा पाके सामने आ साड़ी परमेश ते अज काला जोड़ा पा साड़ी परमेश ते जरा पाके सामने आ साड़ी परमेश ते अज काला जोड़ा पा थैंक यू। आप लोगों ने क्लैप नहीं की इनके लिए, अगर आप वाकई इनको सुनना चाह रहे थे तो आप इनको क्लैप करते। अब इनका हम लास्ट में एक सॉन्ग रखेंगे क्योंकि बहुत सारे काम हैं जो हमें यहां समेटने हैं। ये असल में गाना बड़ा रोने धोने वाला है तो वो कह रहे हैं कि ये आखिर में कर लेते हैं। अच्छा, कुछ हमारे ऑनरेबल गेस्ट हैं, मैं उनसे चाहूँगा कि वो स्टेज पे आएंगे वन बाय वन और मेरी पहचान पाकिस्तान और पाकिस्तान को अपने 2 से 3 मिनट ज़रूर देंगे ताकि लोग भी सुन सकेंगे हमारे यहाँ पे कौन कौन से हीरोज़ मौजूद हैं। सबसे पहले मैं कॉन्सुलेट जनरल ऑफ पाकिस्तान शेर बहादुर साहब आपको वेलकम करूंगा स्टेज पे, मुझे आपको कुछ टाइम चाहिए। थैंक यू वकार साहब एंड thanks all the organizers of this Meri Pehchan Pakistan. I'm really privileged to be amongst you. Kya keh rahe? Actually, I would have been very happy to speak to you in Urdu, but there are certain or some of our participants here who only understands English. They are English speaking.
सो माय just hold your horses for a few seconds, let me speak, and then we can raise these slogans at the top of our voices. So what I was saying, that this program is being commemorated with 23rd of March, which is Pakistan Day. Now March 23rd is a landmark day in the history of Pakistan, when the Muslims of the Indian subcontinent adopted the historic Lahore Resolution put forth by Mr. A.K. Fazlul Haq on this day in 1940 at the famous Minto Park, now Minare Pakistan, during the 27th annual meeting of All India Muslim League. Ladies and gentlemen, this resolution gave an ideal to the Muslims and united them for the attainment of a shared objective. It was such an epoch-making event which changed the course of history for the Indian Muslims. The resolution demanded the establishment of a separate state based on the higher ideals of Islamic social justice and human compassion. These were forces opposed to the establishment of a separate state, but Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah remained steadfast in his demand that no solution of the Indian political and constitutional problem except the creation of a new state would be acceptable to the Muslim. I would here very clearly recommend to you that you should read the speech of 1940 of Qaid Azam Muhammad Ali Jinnah, which addresses many important points which he had in those days, and which he addressed even to his critics. Ladies and gentlemen, the Qaid believed that in a united India, the Muslim would be relegated to the status of a second-class citizen. So he waged a determined struggle to carve out a state where the Muslims could live their individual and collective life in accordance with their tradition. While delivering a speech in Peshawar on November 24, 1945, the Qaid Azam said, "Our religion, our culture, and Islamic ideals are our driving force to achieve independence. Pakistan not only means freedom and independence, but the Muslims' ideology, which has to be preserved." Ladies and gentlemen, today Pakistan, as a flourishing democracy, enjoys an honorable place in the Committee of Nations. However, Pakistan is going through a critical stage in history, and we should shun all these conspiracy theories which we are facing these days, and we should be steadfast and work together with harmony and with dedication, with sincerity, to hold the banner of Pakistan in the international community as well. I would like to state on this occasion that strong, friendly relations exist between Pakistan and Britain, and both countries will continue to cooperate with each other in all spheres of life. The government of Pakistan is dedicated to facilitating overseas Pakistanis and ensuring that their concerns are listened to and addressed. We try to provide all consular facilities. The Pakistan consulate in Birmingham in this regard will continue the process of dialogue and consultation with the overseas Pakistani, as it values their guidance and suggestion. I have always been speaking on different occasions and on different forums that you are all very welcome to come and give us I also eradicated corruption in the consulate, and if there is any problem with any one of you, my doors are open and you are always welcome. This occasion, ladies and gentlemen, is a day of not only to celebrate
but also an opportunity to reiterate or pledge to keep working hard for the attainment of the objective contained in the Pakistan resolution. On this auspicious occasion, all Pakistanis should pledge to uphold the supremacy of law, rule of law, at every cost. Finally, I would like to urge the Pakistani community to portray the true image of Pakistan so as to dispel the growing misperception and misrepresentation of Pakistan. For this, we need to strengthen the principles of mutual tolerance, brotherhood, reconciliation to foster unity in our ranks. Today, let us make a resolve that we shall stand together to safeguard and protect the interests of Pakistan. May God bless you. Enjoy your evening. Pakistan, Zindabad. Thank you. शाहजहान और किंग एडवर्ड में एक चीज़ बड़ी कॉमन थी, दोनों अपनी बेगमात से बहुत प्यार करते थे, बड़ी शदीद मोहब्बत थी शाहजहान को भी और किंग एडवर्ड को भी। शाहजहान बेगम के मरने के बाद उसने उसके लिए 1 करोड़ रुपए का ताजमहल बना दिया, लेकिन किंग एडवर्ड ने मरने के बाद, अपनी बीवी के मरने के बाद, उसने कैंसर के ऊपर रिसर्च करवाई। दिस इज द थिंग विच वी रिक्वायर। मेरे अगले ऑनरेबल गेस्ट हैं उबैद अल्लाह, प्लीज। उबैद अल्लाह आपको बताएंगे कि वो पाकिस्तान की लेगेसी को किस तरह बचा रहे हैं। हाउ ही इज सेविंग पाकिस्तान इन द हार्ट ऑफ his children's। Assalamu alaikum। बिस्मिल्लाह रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। जितनी बातें इन्होंने की हैं, मैं इस काबिल तो नहीं हूँ, मैं सिर्फ एक आम पाकिस्तानी हूँ। वकार साहब मेरे पास आए कि हम ये प्रोग्राम जो है ना कर रहे हैं, तो इसके लिए जो है ना हमें स्पॉन्सर चाहिए। आप ज़रा बातें बंद करें, आवाज़ आ जाएंगी। तो जब वकार साहब आए उनको स्पॉन्सर्स के लिए, मैंने काफ़ी लोगों से रابطہ किया, बात की, कुछ जो लोग थे वो रास्ते में छोड़ गए, लेकिन मुझे 2 लोगों की याद आई जो बहुत ही पाकिस्तान से मोहब्बत करते थे और करते हैं। मैं हाजी नसीब जान, ईस्ट एंड वेस्ट सुपर मार्केट, जिनके 2 ब्रांचेज़ हैं, लडीपुर रोड पर एंड स्ट्रेटफर्ड रोड पर, मैं उनके पास गया। मैंने उनका कहा कि पाकिस्तान के लिए हम प्रोग्राम कर रहे हैं और इसकी चैरिटी रेज होगी। चैरिटी किसके पास जाएगी? हमने बताया अंसार बनी ट्रस्ट के पास जाएगी। तो उन्होंने बगैर किसी और सवाल के उसी टाइम हमारे लिए चेक काटा और मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ। खैबर पश्तूनख्वा से उनका ताल्लुक है। फिर उसके बाद मेरे जहन में आया कि और कौन हो सकता है कि हमारे लिए मदद करे और इस काम को हम आगे ले जाएँ। तो मेरे जहन में एक और इंसान आए जो सुबह सिंध से ताल्लुक़ रखते हैं, बहुत ही बड़े पाकिस्तानी हैं, तस्नीम शेख, शेक्सपियर जो है ना ब्रोकरेज के जो है ना मालिक हैं, और उन्होंने 5 मिनट के अंदर हमें जो है ना उन्होंने वादा किया कि हम सिर्फ बर्मिंगम नहीं, हम मैनचेस्टर में भी जाएंगे, हम लंदन में भी जाएंगे। तो मैं इन सब का बहुत शुक्रगुजार हूँ। इन 2 शख्सियात की वजह से मैं यहाँ खड़ा हूँ, अदरवाइज़ मैं यहाँ नहीं होता। मैं आप लोगों के सिर्फ 3 मिनट लूँगा बच्चों के साथ, क्योंकि इनका अभी टाइम है, लेट भी हो रहे हैं। रिमी साहब आ जाओ, उसके बाद फिर मैं बताऊँगा पाकिस्तान के लिए। लेकिन ये जो बच्चे हैं,
मैं चाहता हूँ कि हमारे जो बच्चे यहाँ पैदा हो रहे हैं उनको जो हमारे पास जितनी नॉलेज है, जो पाकिस्तान है हमारे दिलों में चल रहा है, ये अगली दो जनरेशन में नहीं चलेगी। तो जब तक हम इनको पास नहीं करेंगे, इनको बताएंगे नहीं कि हम कौन हैं और कहाँ से आए हैं, ये सब्ज़ हिलाली परचम किस मुल्क का है और कौमी तराने पे हमें मोहब्बत के साथ एहतराम के साथ कड़ा होना पड़ता है। क्यों कड़ा होना पड़ेगा, किस लिए, इन्होंने हम लोगों के बुज़ुर्गों ने क्या क्या कुर्बानी दी। मैं इनसे कुछ सवाल करूँगा। ट्रेसी, आई डोंट थिंक सो यू विल अंडरस्टैंड व्हाट आई एम सेइंग, बट इट्स ऑल अबाउट पाकिस्तान। ट्रेसी वॉसल का बड़ा शुक्रगुजार हूँ, बार्कलेज बैंक के जो यहाँ के सीनियर मैनेजर हैं। ही लुक्स आफ्टर द बर्मिंघम एरिया एंड ही इज़ द एरिया मैनेजर फॉर बिजनेस इन बर्मिंघम एज़ वेल। मेरी बच्चियाँ हैं 4 साल की और 6 साल की। अब मैं मार्जिया से सवाल करूँगा, मार्जिया लाउडली बोलेंगी, मुझे ये बताएं मार्जिया, पाकिस्तान किसने बनाया? डॉक्टर अलाम। नो नो, पाकिस्तान किसने बनाया? मोहम्मद अली जिन्ना। शाबाश। और पाकिस्तान का ख्वाब किसने देखा, ड्रीम किसने देखा था? डॉक्टर अला मोहम्मद इकबाल। शाबाश, जोर से, जरा जोर से। अब मुझे ये बताएं मार्जिया कि पाकिस्तान कब बना? 14 August 1947। अब मार्जिया हमें बताएंगी कि कायद आजम मोहम्मद अली जिना की सिस्टर का नाम क्या है? नहीं, लाउड जिना। खुद इनका इंटरेस्ट है इन चीज़ों में, मैंने इनको पुश नहीं किया। अब मैं रुमीसा से चंद सवाल करूंगा इसी मामले में कि रुमीसा हमें बताएंगी कि पाकिस्तान कायद आजम मोहम्मद अली जिना का डेट ऑफ बर्थ क्या है? 25th of December 1876। वेल डन। अब रमीसा मुझे बताएंगी कि पाकिस्तान के कितने सूबे हैं? 5। अब रमीसा मुझे बताएंगी, यू नो द फर्स्ट वन, गिलगित। सो रमीसा मुझे बताएंगी कि 5 सूबों के नाम क्या है? गिलगित, बलूचिस्तान, सिंध, पंजाब, केपीके। जरा जोर से और जोर से, यहाँ जितने पेरेंट्स बैठे हुए हैं उनको ये ताड़ियाँ याद देनी चाहिए कि उनके बच्चे भी ऐसे हों, इस उम्र में नहीं, क्या इस उम्र से छोटे हो या बड़े हों, उनको पाकिस्तान की याद आनी चाहिए। थैंक यू वेरी मच बोथ ऑफ यू, थैंक यू। मैं सिर्फ और सिर्फ, मैं कुछ और बातें, आई वुड लाइक टू से फ्यू मोर थिंग्स अबाउट पाकिस्तान। ये तो सिर्फ मैंने कुछ झलक दिखाया है, मेरा ये प्रोग्राम है। मैंने ये वादा किया था बर्मिंघम से वालों से 23rd of March 2013 को कि मैं कंपटीशन कराऊंगा और तमाम स्कूलों के पास मैं जाऊंगा और इस तरह के उन बच्चे सेलेक्ट करेंगे, हम उनको स्पॉन्सर करेंगे और पाकिस्तान के नाम पे हमेशा हम इस तरह के प्रोग्राम करेंगे। व्हाट आई वुड लाइक टू से इज़, एज शेर बहादुर साहब सेड कि पाकिस्तान, ये तकरीर आपको ज़रूर पढ़नी चाहिए 23 मार्च 1940 की। सिर्फ मैं इतना कहूँगा कि 23 मार्च तक बात कैसे पहुंची, हाउ वी केम टू एट 23rd of March 1940 एंड वी डिसाइडेड वी नीड टू टेक अ स्टेप अहेड ऑफ एनीबडी एल्स एंड वी वुड लाइक टू मेक पाकिस्तान। व्हाई? कायद आजम मोहम्मद अली जिना वाज द फर्स्ट पॉलिटिशियन हु केम इन पॉलिटिक्स एंड स्टूड अबाउट अगेंस्ट ब्रिटिश राज एट द टाइम। ही डिडंट स्टैंड फॉर एनीबडी एल्स, फॉर हिमसेल्फ और एनीबडी, ही स्टूड फॉर एट द टाइम for the people. Us time logon ke liye khade ikatha khade hue. For 13 years he was member of Congress and Muslim League, but after 13 joint member, after 13 years in 1920 he left Congress and joined Muslim League. In 1930 Dr. Allama Muhammad Iqbal dreamed about Pakistan. In 1933 Chaudhry Rehmat Ali gave us the name Pakistan. In 1937 Qaid Azam decided enough is enough with Congress, we would like to have a Pakistan. Do qaumi nazariya ye nahi tha ki sirf Pakistan hi aa rahenge aur jo dusri mazhab wale wo aa rahenge. Iske piche bahut badi story hai, ye aapko padhna chahiye, bachon ko batana chahiye. Theek hai, Pakistan bana la ilaha illallah Muhammad Rasulullah ke naam pe, lekin uske piche ek history hai. 1940 23 March 3 din lage hame, balki dusre din ye decide ho gaya tha, isliye hum 23 March banate hain कि पाकिस्तान बनाना है। उसके बाद 7 ईयर्स लगे पाकिस्तान को बनने में। सिर्फ मैं एक और चीज़ कहूँगा
कि कायदे आज़म के बारे में कि इसमें एक बहुत बड़ी राज है जो लोगों को नहीं पता है. लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा था, एंड ही एडमिटेड हिमसेल्फ इन हिज मेमोरीज, हैड आई एनी क्लू दैट जिन्ना वुड डाई इन 1948, आई वुड हैव एक्सटेंडेड द डेट डिवीजन, द डेट ऑफ डिवीजन एंड पाकिस्तान वुड नेवर बी इन देयर ऑन द वर्ल्ड मैप. आप लोगों को पता है 1945 में कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना को जो लास्ट स्टेज का टीबी था, लेकिन आज तक किसी को उन्होंने बताया नहीं. और उनको पता था कि उनका आखिरी टाइम है, इसलिए उन्होंने बहुत जोर लगाया ताकि पाकिस्तान बन जाए. लास्ट वन मोर थिंग बिफोर आई लीव, के जवाहरलाल नेहरू की सिस्टर है विजय लक्ष्मी, उन्होंने अपने बुक में लिखा है, इफ़ पाकिस्तान मुस्लिम लीग एट द टाइम हैड 100 गांधीज एंड 200 अबू कलाम आज़ाद, देर वुड हैव बीन नो पाकिस्तान. 100 गांधी, 200 अब्दुल कलाम आज़ाद, कितनी जहन है. और एक, हाउएवर इफ़ द कांग्रेस हैड ओनली वन जिना, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिना, इंडिया वुड नॉट हैव बीन डिवाइडेड. उन्नीस सौ सैंतालीस के बाद पाकिस्तान के साथ क्या हुआ सबको पता है. मैं एक और बात कहूँगा कि पाकिस्तान वो मुल्क है कि 1968-69 में PIA दुनिया की दूसरी बड़ी एयरलाइन थी. हमने एशिया में हाई टेंशन फिजिक्स लैब गवर्नमेंट कॉलेज में बनाया, ये 1960s की बात है. 1962 में हमने एक सेटेलाइट भेजा, रेबर वन मेड बाय सुपर आर्को, ये वही पाकिस्तान है जिसको हम आज देख रहे हैं. 1980s में पाकिस्तान एशिया का पहला मुल्क बना जिसने सिलिकॉन प्रोड्यूस किया. 1970s में हमने बॉल पॉइंट एशिया में इंट्रोड्यूस करवाया, हम थे वो, हम पाकिस्तानी. हमने न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी के भी हैं, ठीक है. सॉरी, ये बातें मैं इसलिए बता रहा हूँ, मुझे कह रहे हैं शॉर्ट कर ले, मैं इसलिए बता रहा हूँ कि आपको पता होनी चाहिए. बहुत सारे लोगों को शादी नहीं पता, मुझे भी नहीं पता थी, मैंने रिसर्च की है. उसके अलावा मैं इसी बात में आप लोगों को छोड़ूंगा कि कायदे आज़म ने हमें जो कुछ दिया है उस ज़माने में उन्होंने एक आवाज़ पे पूरी कौम इकट्ठी की और मुल्क बनाया. आज हमारे पास मुल्क है लेकिन कौम नहीं है. तो मेरी आपसे गुजारिश है कि आप कौम बन जाएं. आप पश्तून नहीं हैं, आप बलोच नहीं हैं, आप पंजाबी नहीं, आप सिंधी नहीं हैं, आप महाजर नहीं हैं, कोई नहीं, आप सब पाकिस्तानी हैं. आप पाकिस्तानी बने. मेरी पहचान लास्ट मेरी पहचान पाकिस्तान को सपोर्ट करें. हम हर कोने में हर बंदा एक एक काम कर रहा है, लेकिन जब वो एक एक काम करेगा वो एक बंदा होगा. जब वो दो साथ मिलकर काम करेंगे तो 11 बन जाएंगे, तीन मिलकर काम करेंगे तो 111 बन जाएंगे. तो मेरी आपसे सबसे गुजारिश है कि मेरी पहचान पाकिस्तान को सपोर्ट करें, वकार साहब को, नाहिद को सपोर्ट करें. आगे जितने भी प्रोग्राम आ रहे हैं, मेरी ज़रूरत ना हो, सब आप सब मेरी तरह बन सकते हैं, बल्कि मुझसे आगे बढ़ सकते हैं. बड़े बहुत सारे बिजनेसमैन हैं, प्लीज़ मेरे साथ जोर से एक दफा नारा लगाएं, पाकिस्तान जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद. आप क्यों चुप हो गए, आप तो बहुत आवाजें आ रही थी, जरा बोले प्लीज. जीवे 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 पाकिस्तान पाकिस्तान पाकिस्तान. बहुत शुक्रिया. अल्लाह अकबर या रसूल. हम जब निकले थे अपने कॉन्सर्ट्स के लिए, तीन कॉन्सर्ट्स के लिए, तो मुख्तलिफ जगह पर हम लोग गए, विज़िट किया. मैं आपको एक अमेजिंग चीज़ बताना चाह रहा हूँ, और यही वजह है कि अब जो परफॉर्मेंस जा रही है हम उनको डेलीगेट कर रहे हैं, बिकॉज व्हाट द रोल हैज़ डन. इस हॉल के जो स्पॉन्सर, जो ऑनर हैं, उन्होंने क्या किया हमारे लिए. शी इज़ इंडियन, उनका नाम डॉली है, वो ऑनर है इस हॉल की. सर उनके लिए तालियाँ बजाते, फिर मैं आपको रीज़न बताऊँ. हमने बड़ी कोटेशंस ली, डिफरेंट एरियाज़ में गए, हम मुख्तलिफ हॉल्स में हमने विजिट किया. यू कांट बिलीव इट, दैट लेडी बजट कम करवाया. 80% डिस्काउंट उन्होंने मेरी पहचान पाकिस्तान को दिया, बिकॉज शी वॉन्ट दिस शो ओवर देयर, बिकॉज शी इज इंडियन. और उन्होंने एज ए इंडियन कम्युनिटी होते हुए पाकिस्तानी कम्युनिटी को सपोर्ट किया, उन्होंने हमें अलाउ किया कि हम इस हॉल में आए,
बैठें और अपनी इस 23 मार्च 1940 को सेलिब्रेट करें। क्योंकि वकार भाई इंडियन हमसे बहुत मोहब्बत करते हैं, क्योंकि मेरी पहचान पाकिस्तान सिर्फ पाकिस्तानियों के लिए नहीं है, हर उस कम्युनिटी के लिए है जो पाकिस्तान से मोहब्बत करता है, उसमें सारी कम्युनिटीज़ आती हैं। और हम डॉली साहिबा के बहुत बहुत शुक्रिया करते हैं कि उन्होंने हमें बहुत अच्छे तरीके से इसको वेलकम किया, और उन्होंने कहा कि हमें बहुत खुशी होगी आप इस प्रोग्राम को यहाँ प्रेजेंट करें। नेक्स्ट परफॉर्मेंस फ्रॉम इंडिया, मोहम्मद यूसुफ। मोहम्मद यूसुफ तशरीफ लाइए। इनकी आवाज़ मैंने कल सुनी है और मैं कल से इनकी दीवानी हूँ, अब आप सुने जी। यूसुफ साहब ख़वातीन हज़रात अस्सलाम अलैकुम। आज बड़ा खुशी का दिन है, मुझे काजी साहब ने और अली साहब ने आज की इस महफिल में मदद की, मैं उनका बड़ा शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने आपके सामने मुझे ला के खड़ा कर दिए। आज बड़े ग्रेट सिंगर जो कि पाकिस्तान से आए, रात को एकेडमी में भी आए थे, और मैंने उनको वादा किया मैं आज ज़रूर आऊँगा, सो आपकी खिदमत में हाज़िर हो रहा हूँ। प्लीज़ हौसला अफजाई का कीजिएगा, हम बस आपके सर पे ही जीते हैं। ठीक है, शाहे मदीना नूर इस्लाम से ये नात पेश कर। शाहे मदीना, शाहे मदीना, तैबा के वाली सारे नबी तेरे दर के सवाले। चाहे मदीना, चाहे मदीना, जलवे हैं सारे तेरे ही दम से, आबाद आलम तेरे करम से, आबाद आलम तेरे करम से। बाकी हर एक शै है, बाकी हर एक शै है, लक्ष्य खयाली सारे नबी तेरे दर के सवाले। चाहे मदीना, चाहे मदीना, चादर तनी है
तेरे लिए ये दुनिया बनी है, नीले पलक की चादर तनी है, नीले पलक की चादर तनी है। तू अगर ना होता, तू अगर ना होता, दुनिया ती खाली, सारे नबी तेरे दर के सवाले, चाहे मदीना, चाहे मदीना। चाहे मदीना, चाहे मदीना, बहुत शुक्रिया, बड़ी खास रिक्वेस्ट की गई थी। रात को जवाद अहमद साहब आए थे हमारे एकेडमी में और बड़ी दूर से आए हैं, उनके लिए ये गाना आपकी खिदमत पेश कर रहा हूँ। उम्मीद करता हूँ आप पसंद फरमाएंगे। बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, जवाद साहब की तरफ से मैं आपको सुना। बड़ी दूर आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं। अपना लो या ठुकरा दो, बड़ी दूर से आए हैं प्यार का तोहफा लाए हैं।
जो दिलों के नाते हैं वो जोड़े नहीं जाते, जोड़ लिए तो फिर तोड़े नहीं जाते। ये नाते दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं। लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, अनजाने लोगों में कोई साथी तो मिलेगा, कोई तो होगा जो हमको समझेगा। ये सपना दिल में बसाए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, बड़ी दूर से आए हैं, प्यार का तोहफा लाए हैं, प्यार का तो फलाए हैं। बहुत बहुत शुक्रिया, बड़ी मेहरबानी, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू, बड़ा बहुत बहुत शुक्रिया यूसुफ साहब। यूसुफ साहब को मैंने कल सुना इनकी एकेडमी में, इनको स्पॉन्सर किया है मोइन काजी साहब ने, अर्शद सिद्दीकी साहब ने। कल ये जवाब साहब को अपनी एकेडमी में लेके गए और इस नगीने से उन्होंने मुलाकात करवाई और जवाब साहब ने इनको बहुत बहुत कहने कि वो मगन हो गए थे इनकी आवाज़ में, उन्होंने इनको बहुत पसंद किया, इनको बहुत दाद दी। तो इन सब के लिए आप प्लीज़ यूसुफ साहब के लिए दोबारा तालियां बजा दें, क्योंकि इन्होंने माशाल्लाह बहुत अच्छा गाया है। और इनको स्पॉन्सर किया है मोइन काजी साहब ने अपनी एकेडमी की तरफ से और अर्शद सिद्दीकी साहब ने। मोइन साहब, अर्शद साहब, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। एक करेक्शन छोटी सी करना चाहूँगा, बेसिकली यूसुफ साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है, इनकी मिसेज जो है वो इंडिया से हैं, लेकिन यूसुफ साहब का ताल्लुक पाकिस्तान से है। सो वंस अगेन पाकिस्तान गोट टैलेंट। चले प्रोग्राम भी चलता रहेगा साथ साथ, और जिन लोगों ने इस प्रोग्राम को मुमकिन बनाया है हमें उनका भी शुक्रिया साथ साथ करना बहुत ज़रूरी है। वकार भाई, एक स्पॉन्सर को बुला लें, थोड़ा सा ब्रेक ले लें। बिल्कुल बिल्कुल। चले मैं इस वक्त HB सोलिसिटर से एतजाज़ साहब को स्टेज पर बुलाना चाहूँगी एंड तलहा साहब को। तलहा साहब बहुत तालियों में, क्योंकि स्पॉन्सर्स के बगैर कोई कम्युनिटी प्रोग्राम पॉसिबल नहीं है। 500 में से सिर्फ 100 लोगों ने तालियां बजाई हैं, 400 अभी तक सोच रहे हैं कि तालियां बजाएं कि ना बजाएं। ये प्रोग्राम इन लोगों की वजह से पॉसिबल है। अस्सलाम वालेकुम। थैंक यू वकार। नहीं, मेरे लिए बिल्कुल तालियां ना बजाएं, लेकिन जिसके लिए बजानी है वो इंशाल्लाह आने वाले हैं। मुझे बताया जा रहा था मेरे बाद आएंगे जवाद साहब इंशाल्लाह, सो ही विल एंटरटेन यू मोर। मैं ज़रा टाइम बिल्कुल नहीं लूँगा आपका। इट्स अ फैंटास्टिक इवेंट, फैंटास्टिक टर्न आउट। हमें खुशी है, मुझे खुशी है, हैरिसन ब्राइस लिस्टर्स को, हमारे स्टाफ को खुशी है कि वी कुड कम एंड बी अ पार्ट ऑफ दिस वंडरफुल इवेंट। द ओनली रीज़न, और मुझे एक और चीज़ की खुशी है कि हमारे कम्युनिटी लीडर्स आए हैं, काउंसलर जनरल साहब, लॉर्ड मेयर आए हैं, असलम तवक्ली साहब, एक नाम मैं आपको थोड़ा देर बाद में बताता हूँ कि उस, मुझे खुशी है कि आदिल नबी भी आया है। ही इज़ ए प्रोफेशनल फुटबॉलर प्लेइंग फॉर वेस्ट ब्रॉम एंड ही इज़ ए फर्स्ट पाकिस्तानी प्रीमियर फुटबॉल प्लेयर प्लेइंग इन द प्रीमियरशिप फुटबॉल। एंड यू नो,
I actually do want Adil to stand up so people can see where he is. He's a rising star, and I would love people to follow him on Twitter to keep an eye on him and see where he goes. Because he's going to become a big name one day, inshallah. अच्छा एक चीज़ मैं मुझे आदिल को देख के और दूसरे लोगों को देख के एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वी आर नो लॉन्गर इकोनॉमिक माइग्रेंट्स इन यूके. अभी हमने मैंने तो स्पेशली हॉलीडे के लिए पाकिस्तान जाना होता है, रहने के लिए नहीं जाना होता. तो इट्स वंडरफुल टू सी कि यहाँ के बिजनेसेस, यहाँ के कम्युनिटी आगे बढ़ रही है एंड वी आर स्टिल कीपिंग आवर लिंक्स विद पाकिस्तान अलाइव. दिस इज़ वाई हैरिसन ब्राइस सॉलिसिटर्स वी आर ए अब मैं कैसे बताऊं कि वी आर एशियन कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ फर्म, पाकिस्तानी कॉर्पोरेट कमर्शियल लॉ फर्म जो फुटबॉलर्स को रिप्रेजेंट करती है, बॉक्सर्स को रिप्रेजेंट करती है. मोहम्मद अली एक नाम है बॉक्सिंग लेजेंड जिसको हम यूके में रिप्रेजेंट करते हैं. एंड अदर देन दैट छोटे से छोटा मैटर हो, बड़े से बड़ा मैटर हो, उसके अंदर वी आर इन्वॉल्व. एंड वी आर ऑल्सो लाइक टू मैंशन एशियन यूके मैगजीन इज वेल हु इज ऑल्सो हियर विद अस, पहला एशियन मैगजीन जिसने ग्राउंड ब्रेक किया है in in commercial scene basically. They're available in W. H. Smith and other big stores basically. Thank you very much. And one last thing, Harrison Bryce listeners, we're running a competition. Follow us on Twitter and like us on Facebook. We're giving away, we've got an executive box at the Manchester United Stadium. We're giving away 2 tickets and the winner will be announced by the end of next week. That's what I've been told. Baki koi bhi aapka chote se chota masla ho, chahe immigration ho, chahe bade se bada ho, आपका लिटिगेशन हो, कॉर्पोरेट वर्क हो और एनीथिंग क्रॉस बॉर्डर लिटिगेशन, टैक्सेशन, वी आर हियर, डू अ बिट ऑफ सर्च ऑन अस. वी आर समबडी हु इज ब्रेकिंग ग्राउंड ऑन लीगल 500 एंड इंशाल्लाह हम इसको आगे लेके जाएंगे एंड यू कैन कीप एन आई ऑन आवर प्रोग्रेस. थैंक यू वेरी मच एंड एंजॉय द नाइट. थैंक यू वेरी मच तलहा साहब. थैंक यू जी. अब मैं हाजी साहब को बुलाना चाहती हूँ ईस्ट एंड वेस्ट से. हाजी साहब प्लीज़ अगर आप यहाँ हैं तो स्टेज पर आ जाइए. हाजी साहब ईस्ट एंड वेस्ट के ओनर यहाँ पे मैंने खुद देखे हैं उनको एंट्रेंस देते हुए. हाजी साहब चलें हम हाजी साहब के वेट कर लेते हैं, उतनी देर में हम तस्लीम साहब को स्टेज पे बुला लेते हैं. तस्लीम साहब शेक्सपियर फाइनेंस ब्रोकर की तरफ से इन्होंने 2 स्पीचेस दी हैं और माशाल्लाह आज की स्पीच इनकी पहले से भी बेहतर होगी. हाजी साहब आगे जी. तस्लीम साहब आ जाएं. अस्सलामु अलैकुम. आपको मेरी तरफ से और मेरी पहचान की तरफ से खुशामदीद. मेरे पास कुछ टाइम पहले वकार साहब आए थे और उन्होंने मुझे इंट्रोडक्शन दिया मेरी पहचान पाकिस्तान का और आइडियाज़ दी कि पाकिस्तान में ये किस तरह की इवेंट्स, किस तरह की जो प्रॉब्लम्स चल रही हैं उनको यहाँ पर प्रमोट करना चाह रहे हैं और किस तरह से जैसे हम यहाँ पर जब घर जाते हैं अच्छे अच्छे घरों में जाके बैठते हैं, अच्छी अच्छी गाड़ियों में सफ़र करते हैं और पीसफुल और सिक्योर लाइफ गुजारते हैं. लेकिन हमारे बहन भाई और हमारे बड़े जो पाकिस्तान छोड़ के आए थे और जो वहाँ पर अभी रह रहे हैं उनको ये सिक्योरिटी और ये फैसिलिटी नहीं है. तो हम चाहते हैं कि आज के इवेंट के अंदर आप गाने, म्यूज़िक और एंटरटेनमेंट को ज़रूर इंजॉय करें, लेकिन एक चीज़ का ज़रूर ख्याल रखें, जो पाकिस्तान में हमारे बहन भाई हैं और बड़े हैं और छोटे हैं उनको ये फैसिलिटीज़, उनको ये इन्जॉयमेंट्स और ये कंफर्ट नहीं है. और मेरी पहचान पाकिस्तान का एक ही मकसद है कि हम सबको तालीम दें और एजुकेट करें छोटों को भी कि पाकिस्तान में ये इश्यूज़ हैं, उन इश्यूज़ को हम यहाँ से एड्रेस करें. राउंड द वर्ल्ड हम एक यूनिटी और एक आवाज़ से बोलें और कल को पाकिस्तान को भी जिस तरह से दुनिया के सारे मुल्क तरक्की कर गए लेकिन पाकिस्तान नहीं कर सका आज तक. पाकिस्तान हर चीज़ में अनफॉर्चुनेटली पीछे रह गया लेकिन एक काबिल मुल्क है, एक एजुकेशन की तरफ से स्ट्रॉन्ग मुल्क हैगा. पाकिस्तान में हर चीज़ हो सकती है अगर वहाँ पर एक ऑर्गेनाइजेशन होए, चाहे वो इकोनॉमिक हो, पॉलिटिकल हो और सोशल हो. ये हम चाहेंगे कि आप एक मैसेज लेकर के जाएं या कि म्यूज़िक सुनने के बाद कि पाकिस्तान में क्या मसले हैं और उनको याद रखें, म्यूज़िक को छोड़ें लेकिन ज़रूर याद रखें पाकिस्तान के मसलों को. अच्छा मैं एक और बात कहना चाहूँगा कि जो मैं इंग्लिश में कहना चाहूँगा, मेरे पास एक आई हैव वन गेस्ट हियर हु इज़ अ वेरी ग्रेट फ्रेंड ऑफ माइन. And he, when the Ukrainian problem started in the Crimea and Russia, he traveled to Russia, to the Ukraine, to offer his support to the Ukrainian government and advise them on how best to solve the problem. When I informed him that I was participating in this organization, my friend Charlie from Russia, can he please stand? My friend from
Ladies and gentlemen, when I informed this gentleman that I am part of this organization, he was the first, and without any hesitation, he said, Tasnim, I will come and support you. He has many Muslim friends, and he wants to forward and promote Pakistan like we do. एक बात अपने और कहना चाहूँगा, वैसे मैंने आपने सुना है कि मैं शेक्सपियर फाइनेंशियल कंसल्टेंसी हूँ. शेक्सपियर फाइनेंशियल कंसल्टेंट्स मैंने 1996 में स्टार्ट की थी. उसके अंदर हम हर किस्म की कमर्शियल, रेजिडेंशियल और ब्रिजिंग फाइनेंस ऑफर करते हैं. जो आपको बैंक से फाइनेंस ना मिले, आप हमें कॉन्टैक्ट करें. उम्मीद है कि आप किसी भी फाइनेंशियल मैटर के अंदर बर्मिंगम हो, लंदन हो, मैनचेस्टर हो, मुझे याद करेंगे और हम आपकी हेल्प ज़रूर करेंगे. इवनिंग को इन्जॉय करें और पाकिस्तान के मसलों को सोच करके ज़रूर घर जाएं यहाँ से. बहुत शुक्रिया, खुदा हाफिज. सब हाजी साहब की तरफ से शुक्रिया अदा करेंगे. हाजी साहब आए थे और वापस चले भी गए. वो बड़े शर्मीले से हैं, वो स्टेज पे नहीं आना चाहते. और मैं सिर्फ इतना कहूँगा कि हाजी साहब बहुत सादा से मिजाज के इंसान हैं. पाकिस्तान में लीवर ब्रदर्स के जो डिस्ट्रीब्यूशन है पूरे पाकिस्तान की, वो इनके हाथ में थी. तो वो इतने माशाल्लाह बड़े बिजनेसमैन हैं और वो अफगानिस्तान भी एक्सपोर्ट करते हैं लीवर ब्रदर्स के प्रोडक्ट्स को, और यहाँ भी इंपोर्ट करते हैं. हाजी नसीब जान साहब चले गए और इनके दो स्टोर्स हैं यहाँ पे, ईस्ट एंड वेस्ट सुपरमार्केट लेडीपुर रोड, ईस्ट एंड वेस्ट सुपरमार्केट स्टेटफर्ड रोड. आपके घरों की हर चीज़ ज़रूरियात वो यहाँ पर मुहैया करते हैं. और उन्होंने हमें मैं ये फिर दोबारा से कहूँगा कि विद इन 2 मिनट्स मेरी बात उन्होंने ख़त्म होने से पहले ही कहा कि मैं राज़ी हूँ, और उन्होंने चेक निकाल के वकार साहब के हाथ में दे दिया. तो मैं चाहता हूँ कि जितने भी बिजनेसमैन अभी यहाँ बैठे हुए हैं, नेक्स्ट मेरी पहचान पाकिस्तान का प्रोग्राम मुझे आने की ज़रूरत नहीं होनी चाहिए. सो थैंक यू सो मच अभय साहब, थैंक यू. हमारे सारे स्पीकर जज्बाती हो जाते हैं. हम 2 मिनट देते हैं, ये 20 मिनट ले लेते हैं. मोहब्बत है पाकिस्तान से. थैंक यू वेरी मच. चले, मेरे ख्याल में आप सब लोग म्यूज़िक की तरफ आना चाहते होंगे. मैं कुछ लोगों का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जो कि बर्मिंगम से नहीं आए आज का शो देखने. वो लंदन से आए हैं, ब्रिस्टल से आए हैं, मैनचेस्टर से आए हैं, और वो कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने ये प्रोग्राम पहले अटेंड किया है और वो दोबारा आए हैं जवाब साहब की वजह से और मेरी पहचान पाकिस्तान की वजह से. उन सब लोगों के लिए तालियाँ हो जाएँ प्लीज़. हमारी खुशनसीबी है कि आज हमारे दरमियान दो ऐसे खूबसूरत फ़नकार मौजूद हैं जिन्होंने बरतानिया और यूरोप में अपने फ़न का लोहा मनवाया. हाल ही में उनके 3 एल्बम रिलीज़ हुए हैं जिनकी मौसीकी नईम हैदर साहब ने दी. आसमान के ये चमकते दो दरख्शा सितारे, उनमें से एक सितारे को मैं बुलाना चाहूँगी, और उससे पहले मैं आप चंद अल्फाज माँ के लिए कहना चाहूँगी, क्योंकि अभी थोड़ी देर में मदर डे शुरू हो जाना है और मेरे ख्याल में हम यहाँ पर होंगे तो संडे शुरू हो जाएगा. तो मदर डे के लिए सारी मदर्स को मेरा बहुत बहुत सलाम. पाकिस्तान की सारी मदर को और दुनिया की सारी माओं को मेरा बहुत बहुत सलाम. ज़रा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है, ज़रा सी चोट लगे तो आंसू बहा देती है, सुकून भरी गोद में हमको सुला देती है. हम करते हैं ख़ता तो चुटकी में भुला देती है, होते हैं खफा हम तो दुनिया को भुला देती है. मत गुस्ताखी करना उस माँ से ऐ दोस्त, जो अपने बच्चों की चाह में अपना आप भुला देती है. थोड़ा सा पिन ड्रॉप साइलेंस. मैं कुछ सुनाना चाह रहा हूँ आप लोगों को. बड़ी मेहनत की उस पर हमने. हम लोग पाकिस्तान, दुनिया भर से, जब ये माँ के हवाले से बात हो रही है, जब कोई माँ का बेटा अपनी माँ को छोड़ के जब परदेश जाता है, so what's happened with the mothers, just you need to listen. Pin drop silence. Jad da puttar bahar gaya hai, khali hokar bahar gaya hai, jhoothe hasse hasdi payi hai, maa lokan dasdi payi hai, dollar pound kamanda sona, उथे दफ्तर जांदे सोना, उच्ची कोठी पा बैठी है, सोना कार बना बैठी है, कुल्ली छड़ के कोठी पाई है, कीती सारी ओस कमाई है,
घर पराडो भी कल लईए, उंज भी नौकर चाकर कहिए, प्यू दा भार उठा लिया सोने, इन्ना कुछ कमा लिया सोने। जद भी शहर में जानी हां, लखां दे विच लानी हां, हुण कादा परदेस नहीं अड़िए, बार भी अपना ही देस नहीं अड़िए। ओदी काल भी आंदी है, डेली गल हो जाती है, जद भी कोई मजबूरी होवे उदा आउण जरूरी होवे, दो घंटे च आ जांदा है, सारे काम निपटा जांदा है। इन्ने विच दो हंजू डह पए, इंज निकले के बोलन डह पए, फिर मां सच सच बोलन लग पई, दिल दे जख्म फरोलन लग पई। बारों बार ही जीने आड़िए, अंदरों ते हो मार गया है, छत दा पुत्तर बार गया है, खाली हो कर बार गया है, रोटी ठंडी खांदा नहीं सी, कपड़े मैले पाउंदा नहीं सी, नींदर दा बड़ा पक्का सी, ओ सुबह मसीती जांदा नहीं सी, इन्ना गुस्सा करदा सी, गल गल उत्ते लड़दा सी, उत्थे किस नाल लड़दा हो सी, किवें गुजारा करदा हो सी, ये गम दिल नू ठार गया। ये क्लैप इसके लिए नहीं, एक माँ के लिए है, सिर्फ एक माँ के लिए है। एक दफा फिर हो जाए। यू नो व्हाट हैपन, हम लोग जब अपनी जिंदगी का आगाज करते हैं यहाँ पे, तो सबसे पहले चिकन शॉप में जाते हैं, सबसे पहले किसी कैब ऑफिस में जाते हैं, छोटी छोटी नौकरियाँ करते हैं, फिर अपनी स्किल्स को सामने लाते हैं, फिर हमें अल्लाह ताला इस तरह के हीरोज बनाता है पूरी दुनिया में। वी स्टार्ट फ्रॉम द ग्रास रूट, एंड दैट क्रेडिट गोज टू द माँ जो अपने दिल पे पत्थर रख के आपको परदेश भेजती है। वंस अगेन फॉर द मदर। नेक्स्ट परफॉर्मेंस, नेक्स्ट परफॉर्मेंस राजा काशिफ की है, और उनसे मैं पहला गाना माँ का ही फरमाइश करने वाली हूँ, क्योंकि माँ को प्यार से देखना भी इबादत है, और माँ से मोहब्बत करो, क्योंकि माँ की परेशानी देख के अल्लाह ताला ने सफा मरवा को हज का रुकन बना दिया। तो मैं राजा काशिफ को बुलाना चाहती हूँ स्टेज पर, और मैं उनसे रिक्वेस्ट करती हूँ, ये उनके प्लान में नहीं था आज, कि प्लीज़ पहला गाना हमें नईम हैदर साहब का लिखा हुआ माँ का सुना दें। बहुत सी तालियों में राजा काशिफ, हमारे यूके की शान, हमारी पहचान और बहुत मंझे हुए फनकार। शुक्रिया मेरे छोटे भाई, ये ज़रूरी था। खफ्तीन रज़ात, मैं सिर्फ इतना कहना चाहूँगा कि बर्मिंगम में परफॉर्मेंस करना हमेशा अच्छा लगता है, यहाँ पे बड़े अच्छे लिसनर्स हैं, इस हॉल के साथ वैसे भी बहुत सारे फनकारों का एक बड़ा गहरा रिश्ता है, चूँकि इस हॉल में बहुत अच्छे अच्छे शोज़ हुए हैं। एक माँ का गीत मुझे, मैं गाना कुछ और चाह रहा था पहले, लेकिन नाही साहिबा ने माँ के गीत के लिए मुझे पहले फरमाइश की है, और चूँकि कल मदर्स डे है तो मैं चाहूँगा कि उसी गीत से शुरू करूँ, उम्मीद है कि आप इसे पसंद करेंगे। माँ अंधेरों में है, रोशनी की तरह, माँ अंधेरों में है, रोशनी की तरह, गम की हालत में है वो खुशी की तरह, तपते सहराओं में जैसे ठंडी पवन,
हम कहाँ पाएंगे माँ के जैसी लगन, जिस्म अपना अधूरा है जाके बिना, कट ही जाती है यूं तो जहाँ के बिना। कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जिंदगी अपनी माँ के बिना, कट ही जाती है यूं तो जहाँ के बिना। ये गाना मैंने दिलीप कुमार साहब, देवानंद साहब, प्राण साहब और धर्म जी के साथ किया था। दिलीप साहब के लफ्ज जो उन्होंने इस वीडियो में कहे थे वो मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ माँ के हवाले से, कि तुम में से जो भी अपनी ज़िंदगी में अपने माँ बाप को पाए तुम्हारे लिए बेहतर है कि उनकी इताअत में गुजारें, और जब वो बूढ़ी उम्र को पहुँच जाएँ तो उनके आगे उफ तक मत करना और उनके आगे अदब से खड़े रहना और दुआ करना कि ऐ मेरे परवरदिगार जिस तरह बचपन में इन्होंने मुझ पे शफकत की थी तू भी इनके हाल पे इसी तरह से रहम फरमा। कट ही जाती है यूं तो जहां के बिना, कुछ नहीं कुछ नहीं कुछ नहीं जिंदगी अपनी माँ के बिना, कट ही जाती है यूं तो जहाँ के बिना। माँ के आंचल तले है सभी राहतें, माँ की आगोश में है सभी चाहते, छोड़ जाते हैं सब हो जो मुश्किल घड़ी, माँ पिरोए मगर आंसुओं की लड़ी, तारे सजते नहीं कहकशां के बिना, कट ही जाती है यूं तो जहां के बिना, जहां के बिना, जहां के बिना। बहुत शुक्रिया। एक शेर ऐसा है जो मैं इसके साथ जोड़ना चाहूँगा धर्म जी का। धर्मेंद्र साहब खुद एक बहुत अच्छे पोएट हैं, उन्होंने बहुत अच्छी एक लाइन लिखी थी कि उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, उंगली पकड़ चलना सिखाया था जिनको, कदम उनसे मिला के चलना मुहाल हो गया, शिकायत यही रही होगी माँ बाप की मेरे भी मुझसे, काश इस एहसास ने उस वक्त जगाया होता आज जिस दर्द से मैं गुजर रहा हूँ माँ बाप का वो दर्द मिटाया होता। ये धर्म जी ने बहुत ही अच्छा एक शेर लिखा था, उम्मीद है कि आपने इस आइटम को पसंद किया था, ऑन द स्पॉट किया। लेकिन अगर एक चीज़ मैं रिक्वेस्ट करूँ, कल मदर्स डे है, मदर्स डे के लिए जरा भर के तालियाँ होनी चाहिए, माँ हस्ती ऐसी है। एक गाना आपके साथ मैं मेहदी साहब का शेयर कर रहा हूँ, उसके बाद एक अपना आइटम करूँगा एक फीमेल आर्टिस्ट के साथ। बल्कि एक्चुअली काम करते हैं, चूँकि मुझे पता है टाइम कम रह जाना है, मैं चेंज करता हूँ, मैं अपनी फीमेल आर्टिस्ट को बुलाना चाहूँगा स्टेज पे, अगर वो मेरे मिल जाए। रुबायत, रुबायत अगर आप करीब हैं तो स्टेज पर आ जाइएगा।
आ जाइए। खबीर साहब, रुबायत जहान, शी इज़ अ बंगाली आर्टिस्ट फ्रॉम बंगाली ओरिजिन, लेकिन बहुत अच्छा गाती हैं। मेरे साथ एक ड्यूएट एल्बम आ रहा है इनका, कुछ एक आध आइटम्स आए भी हैं। शी इज़ अ वेरी गुड आर्टिस्ट, आई थिंक परफॉर्मिंग फॉर द फर्स्ट टाइम विद मी है। वहीद मुराद साहब का उस जो खूबसूरत एक दौर था म्यूजिक का, वो आपके साथ शेयर कर रहा हूँ। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं। आपके प्यार का कुछ भरोसा नहीं, मार डाले ना हमको अदा ये कहीं। ये हसी वादिया ये समा प्यार का, आपके तो छुपाया अफसाना बन गया, हमने तो छुपाया अफसाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। जगमगाने लगा मेरे दिल का जहां, हम पे भी एक नजर हो इधर मेहरबा। जगमगाने लगा मेरे दिल का जहां, हम पे भी एक नजर हो इधर मेहरबा। बात ये है तुम्हें प्यार करने लगे, ओ, 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 ओ। क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, क्यों भला तू मेरा दीवाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, ये अदा ये नाज ये अंदाज आपका, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया, धीरे धीरे प्यार का बहाना बन गया। बहुत शुक्रिया।
हमारे साथ एक बहुत अच्छे एक शायर हैं, मैं उनको इनवाइट करना चाहूँगा स्टेज पे, नईम हैदर साहब, उनको इनवाइट करके फिर इनके बारे में मैं आपको बताता हूँ। नईम साहब आप स्टेज पे आ जाइएगा, क्योंकि मैं देख रहा हूँ कि अगले आर्टिस्ट भी तैयार हैं, तो मुझे पता है कि जल्दी जल्दी करना पड़ेगा। नईम हैदर साहब को मैंने इंटरव्यू किया था कुछ 10 साल पहले मैंने इंटरव्यू किया था। बहुत अच्छे शायर, लफ्ज़ों को पिरोते हैं बड़े खूबसूरत तरीके से। माँ वाला जो आइटम आपने सुना इनका लिखा हुआ था, ज़्यादातर गीत मैंने जो गाए हैं उनमें से इनके, ख्वाजा परवेज साहब के, रियाज रहमान सागर साहब के, लेकिन ही सच ए वंडरफुल पोएट। मैं पहले माइक इनको देता हूँ और एक छोटा सा आइटम हम करने जा रहे हैं इकट्ठे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया काशिफ। मुअज़्ज़ज़ ख़वातीनो हज़रात, आज की ये खूबसूरत कहकशां पाकिस्तान डे के हवाले से सजाई गई है और बहुत अच्छा लग रहा है। माशाल्लाह बहुत रोशन चेहरे बैठे हैं, कुछ आशना भी हैं, कुछ नाआशना भी हैं, लेकिन ये मैं मुबारकबाद देता हूँ नाहिद साहिबा को और उनके तमाम जो टीम है और इतने खूबसूरत प्रोग्राम जो ऑर्गेनाइज़ किया है उन्होंने, क्यों एक यकजहती का और यूनिटी का एक इजहार है कि जिसमें एक खूबसूरत माला जैसे कोई परोई जाती है और इसीलिए हम यहाँ पे इकट्ठे हुए हैं। और ये काम तो सिलसिला चलता रहेगा माशाल्लाह। आपने बड़े अच्छे आइटम सुने हैं पहले और इसके बाद भी बहुत अच्छी म्यूज़िक जो है वो आने वाली है। और इससे पहले कि हम अपने आइंदा जो है हमारा आइटम है उसके साथ इस तरफ चलें, मैं चाहूँगा कि दो अशार जो हैं वो आप सब की समातों की नज़र, उम्मीद है कि आपको पसंद आएंगे। आंसुओं की भीड़ है एक मुस्कुराहट चाहिए, आंसुओं की भीड़ है एक मुस्कुराहट चाहिए, दिल है वीरा बस तेरे आने की आहट चाहिए, आंसुओं की भीड़ है एक मुस्कुराहट चाहिए, दूर तक फैले हुए इन दूरियों के दश्त में, दूर तक फैले हुए इन दूरियों के दश्त में। आपकी भरपूर तालियों में जवाद अहमद। जीवे 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 जीवे, सबसे पहले जरा झूम के बोलो, जरा घूम के बोलो, मेरी कब्र पे लिखना, मेरे कफन पे लिखना, पंजाब का बाबा, पंजाब का बाबा, कश्मीर का बाबा, कायद की मेहनत, कायद की मेहनत, कायद की मेहनत। और अब आपके सामने फखरे पाकिस्तान, पाकिस्तान का मान, पाकिस्तान की शान, पाकिस्तान की आन, पाकिस्तान की सकाफत को दुनिया के मुख्तलिफ हिस्सों में फैलाने वाले हमारा मान, हमारी पहचान, और आपकी भरपूर तालियों में पाकिस्तान के महावली जवाद अहमद। अस्सलाम वालेकुम जी। आई होप व्हाट एवर यू सेइंग ऑन स्टेज वुड बी प्रैक्टिस्ड बाय अस आल्सो इन फ्यूचर, बिकॉज व्हाट आई हैव हर्ड वाज नॉट रियली समथिंग टू टॉक अबाउट और समथिंग टू चेरिश। सो व्हाट वुड यू लाइक मी टू डू अ फास्ट सॉन्ग और अ स्लो सॉन्ग? आर यू श्योर? वी हैव ऑलरेडी विटनेस्ड अ फाइट हियर, डू यू
Do you really think we should go for a fast song? What if it energizes you even more so that you can fight again? Okay. So I'll start with a slow song, right? Just to get into the rhythm, right? Then I'll switch to the fast songs, definitely, right after this song. This song has a history behind it, actually. I released this song for the first time when I released my first album. It was a part of that album, and it was in year 2000. I made a video of this song, put it on air, it became a hit. Then in year 2002, I gave it to a Pakistani film. It was filmed again, it was picturized again. And then in year 2007, I gave it to Mahesh Bhatt for an Indian film. So it was picturized thrice. So everybody knows this song. When I start singing it, you'll identify with it. So let's start. Bin tere kya hai jeena, bin tere kya hai jeena, mere dil ki rani tum, meri khushiyon ka mausam, mere khwabon ki tabeer, mere sapnon ki tasveer, bin tere kaisi yaar, wo jeet ho ya haar, tere sang hai sab kuch, tu na ho to bekaar, bin tere kya hai jeena, bin tere kya hai jeena. I want them to give me the rhythm. So you have to continue with the clap. 1, 2, 3, 4. Teri payal ki chhan chhan, teri saanson ka sargam, teri khushboo, teri preet, yaad aaye mere meet, jo tujh par likhe the, wo saare mere geet, saari khushiyan sapne, mere hai tere saath. Milke, bin tere. Unchi awaaz chahiye. Bin tere. Suni khali raatein, rukhi bheegi baatein, har aahat pe chaukun, tujhko har su dekhun, tujhko har dam sochun, तुझको हर पल चाहूं, तेरे बिन तो जीवन मेरा है इंतजार. यो पार्ट, बिन तेरे, बिन तेरे, तेरा बनना संवरना, मुझे कहना ओ सजना, मैं कैसी लगती हूं, मुझसे ये पूछना, गालों पे हाथ रखे, मेरी बातों को सुनना, तेरी है आँखों पर आना मुझको प्यार. ओ, बिन तेरे क्या है जीना. हालांकि ये गाना पाकिस्तान के लिए नहीं था. चलें ठीक है, ये हम पाकिस्तान करते, पाकिस्तान के लिए सॉन्ग करते हैं. कोई सुनना भी चाहता है पाकिस्तान के लिए, सुनना चाहते हैं कोई एक सॉन्ग? और लव सॉन्ग कौन सुनना चाहता है? और तेज गाना कौन सुनना चाहता है? देख लें हालत, देख लें आप. अब आप खुद ही फैसला करें. मुझे लगता है मेरी पहचान पाकिस्तान के साथ कोई तेज गाने का नाम लिखना चाहिए था. बहरहाल, शुड आई स्टार्ट दिस सेशन, मतलब हम फास्ट सॉन्ग से कर लें सेशन स्टार्ट. Are you sure?
So I'm going to start this session with a song that I launched my career with in the year 2000, as I told you before. मेरे लिए बड़ा important song है, मेरे साथ रहना है. ओ केंदी ए सैया मैं तेरियां है, ओ केंदी ए सैया मैं तेरियां. आपने कुछ करना है आज कि मैं नहीं करना सब? आई एम ऑलरेडी गिविंग यू अ टेम्पो व्हेन आई सिंग, सो दैट इज इन अ डेफिनेट टेम्पो, तो मेरे साथ रहेगा. ओ केंदी ए सैया मैं तेरियां है, ओ केंदी सैया मैं तेरियां. अखियां विच रहनियां तेरे दिल विच वसनियां, हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनियां. तेरी हीर मैं तेरी सोनी तेरी सस्सियां, ओ केंदी सैया मैं तेरियां है, ओ केंदी सैया मैं तेरियां. ओ हसदी है ते वेला रुक जावे, जिन्ना भी मनु गुस्सा हो में था मुक जावे. सोवारी आखा हसिया ना कर तू, मेरे वल ज वेखदी है मेरा जी पछतावे. कहंदी है वे ठोला मैनू हसन खेडन दे, तेरे नाल निहासे मेरे बाजो की रहना. ओ केंदी सैया मैं तेरियां है, ओ केंदी सैया मैं तेरियां. हा तू बर जाए ओ डरदी भी नहीं हे लोकां कोलों, कह जांदी है जो भी कहना चांदी है. उन्हों किवें रोकां ਕਿਵੇਂ ਟੋਕਾਂ, ਅੱਖੀਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੰਝੂ ਉਹ ਲੈ ਆਂਦੀ ਏ. ਉਹ ਰੋਵੇ ਤੇ ਮੇਰਾ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਹ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਏ. ਕਰ ਕਰ ਮਿੰਤਾ ਹਾਰ ਜਾਵਾਂ ਉਹ ਮੰਨੇ ਫੇਰ ਕਿਥਾ. ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ ਹੈ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੀ ਏ ਸਈਆਂ ਮੈਂ ਤੇਰੀਆਂ. ਉਹ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ, ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਬਈ ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ. ਹੋ ਜੁੱਤੀ ਖਲਦੀ ਮਰੋਣਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦੀ, ਟੋਰ ਪੰਜਾਬ ਬਣਦੀ. ਹੋ ਬੱਲੇ ਬੱਲੇ ਸਿੰਸ ਦੇਰ ਆਰ ਸੋ ਮੈਨੀ फीमेल, सो मेनी लेडी, सो मेनी गर्ल्स, वेमेन सिटिंग हियर. तो इसका अगला स्टैंजा मैं करता हूँ. बल्ले बल्ले नी मां दिए मोमबत्ती है, हो बल्ले बल्ले नी मां दिए मोमबत्ती है. सारे बर्मिंघम विच चानन तेरा, मां दिए मोमबत्ती है. हो बल्ले बल्ले लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया. आओ सामने कोलों दी रुस के ना लंग माया. लठे दी चादर उत्ते सलेटी रंग माया. आओ सामने ਕੋਲੋਂ ਦੀ ਰੁੱਸ ਕੇ ਨਾ ਲੰਘ ਮਾਇਆ. ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਐਨੀ ਕਿ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ, ਵੇਖ ਕੇ ਉਹਨੂੰ ਬਦਲਾ ਪਿੱਛੇ ਛੁਪਦਾ ਜਾਵੇ. ਹਾਏ ਉਹ ਸੋਹਣੀ ਐਨੀ ਕਿ ਚੰਨ ਸ਼ਰਮਾਵੇ,
वेख के ओनू बदला पिछे छुपदा जावे ओए उंज तां गबरू हां मैं भी डाडा ओ जे होवे कोल ते अपना आप भुलावे ओ दे वर्गी नार हयाती सारी वेखीना ओ दे वर्गी नार हयाती सारी वेखीना ओ चट्टी पंजाब दी सोनी लग गई मेरे ना ओ केंदी ए सैया मैं तेरी आख है ओ केंदी ए सैया मैं तेरी आख ओ तू मेरी की लगदी ओ तू मेरी की लगदी ओ एक वलण जई मुटियारे कुछ होर नहीं एक नारे ना तू सोनी ना हीर सियाले ना तू कोई मेरी सरकारे अज दिसी तू पहली वारे मैनू आंदा क्यों तेरे ते प्यारे तू मेरी की लगदी हो तू मेरी की लगदी ओ केंदी सैया मैं तेरिया ओ केंदी सैया मैं तेरिया ओ केंदी सैया मैं तेरिया है ओ केंदी सैया मैं तेरिया अखिया विच रहनिया तेरे दिल विच वसनिया हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनिया तेरी हीर मैं तेरी सोनी तेरी सस्सिया ओ केंदी सैया मैं तेरिया है ओ केंदी सैया मैं तेरिया ओ केंदी सैया मैं तेरिया है ओ केंदी सैया मैं तेरिया हाँ ऊपर जाइए मुझे ओ हसी ते बेला रुक जावे जिन्ना भी मन गुस्सा होवे थामक जावे सौ वारी आखा हसियाना कर तू मेरे वाल ज वेखती है मेरा जी बजदावे कहंदी अवे डोला मैनू हसन खेडन दे तेरे नाल हसे मेरे बाजो किरण ओ केंदी सैया मैं तेरिया है ओ केंदी सैया मैं तेरिया ओ केंदी सैया मैं तेरिया है ओ केंदी सैया मैं तेरिया अच्छा यार डांस तो नहीं हो रहा क्लैप चाहिए मुझे हाथ ऊपर करके बात है शुरू हो गया आजादी ओ डरती भी नहीं है लोका कोलों कह जाती है जो भी कहना चाहती है हुन क्यों रोका हुन क्यों टोका अखिया दे विच हंजू ओ लै आती है और वे ते मेरा ते फिर सार गुजांदा है कर कर मिंता हार जवा ओ मन्ने बेर किता ओ किंदी सैया मैं तेरिया है ओ किंदी सैया मैं तेरिया ओ किंदी सैया मैं तेरिया है ओ किंदी सैया मैं तेरिया सोनी नी के चंचर मावे देख ओनू बदला पिछे छुपदा जावे ओ उंजता गबरू हाँ मैं भी डाडा ओ जे होवे कोल ते अपना आप लावे ओ दे वर्गी नार हयाती सारी वेखीना ओ जट्टी पंजाब दी सोनी लग गई मेरे ना ओ केंदी सैया मैं तेरिया है ओ केंदी सैया मैं तेरिया ओ केंदी सैया मैं तेरिया है ओ केंदी सैया मैं तेरिया अखियां विच रहनिया तेरे दिल विच वसनिया हौले हौले पलकां दे ओले मैं हसनिया तेरी हीर मैं तेरी सोनी तेरी सस्सिया ओ केंदी सैया मैं तेरिया है ओ केंदी सैया मैं तेरिया ओ केंदी सैया मैं तेरिया है
ओ किंदी सैया मैं तेरी हाथ ऊपर जाइए ओ किंदी सैया मैं तेरिया है ओ किंदी सैया मैं तेरिया ओ किंदी सैया मैं तेरिया है ओ किंदी सैया मैं तेरिया ओ किंदी सैया मैं तेरिया है ओ किंदी सैया मैं तेरिया ओ किंदी सैया मैं तेरिया आए अच्छा पता क्या ओके अच्छा मैं बता ही रहा था कि आज हमें जो है ना जो करना है खुद ही करना है सबने कोई और नहीं आ रहा पाकिस्तान में सारे समझते हैं कि कोई और आके उनके काम करेगा तो आपको तो पता है इंग्लैंड में रह के ऐसे नहीं होता कॉन्सर्ट करना है तो हम दोनों ने करना है या मैं खड़ा हूँ स्टेज पे और आप बैठे हुए मेरे सामने फिर ये भी है कि अभी थोड़ी देर पहले कुछ इस तरह की चीज़ें भी हुई हैं तो थोड़ा सा मूड भी डाउन हो जाता है वो भी आपको दोबारा ठीक करना पड़ेगा अपना और मुझे लगता है कि अगर हम इस तरह करेंगे एंजॉय तो कोई मेमोरेबल एक इंसिडेंट एक इवेंट रहेगा हमारे लिए अदरवाइज तो आप इसे मेरी सीडी लगा लें और सुन के घर चले जाएं लाइव परफॉर्मेंस का फ़ायदा उस वक्त होता है जब इंटरैक्टिव हो तो मेरे साथ रहना है हम अगला सॉन्ग जो कर रहे हैं वो एक्सपैट्रिएट्स के लिए है एक्चुअली पाकिस्तानी जहाँ जहाँ भी रहते हैं दुनिया में इंग्लैंड समेत वो इस सॉन्ग के साथ आइडेंटिफाई कर सकते हैं स्टार्ट करते हैं सजना दूर दया तेरे कोल आके वसना ए गल याद रखना ए गल याद रखना एफ 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 है यार एफ भाई नकटन दिना लंगे रात कलम कली मैं बेजार ते अखा लाइया मोती लड़िया वांगू चढ़िया तू गयो समंदर पार ते हरदम वावे तेरी याद ते पल पल ताने देंदिया ने मेरी सखिया आजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नित मर जागी तेरे बिना साडा कलिया जी लगदाई ना दोलना बस जीना नी तेरे बिना दोलना साडा कलिया जी लगदाई ना दोलना बस जीना नी तेरे बिना दोलना दोलना होए दिया सितारे कितने सौंगे ने सारे ते मैं चौकट ते बैठी रवां आले दवाले किते जगते हवाले तेरा राया तो पुछदी फिरा वाजा हुन ढोलना मेरा दिल तोड़ना नित मर जांगी तेरे बिना
साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना धोलना ओए सकांगी ना मैं हो के ते थो जुदा कली रह गईया मैं दूर दिल पर मेरा मेरी हालत की जाने मेरा खुदा वाजा हुन धोलना मेरा दिल तोड़ना नित मर जागी तेरे बिना साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना धोलना ओए जान वेले मेथो वादा ले आसी के मैं रोवाना तेरे बिना हंजुआ दे डेरे मेरी अखियां दे वेड़े हुन लग गए ने मैं की करा ओ आजा हुन धोलना मेरा दिल तोड़ना नित मर जागी तेरे बिना साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना साडा किल्लियां जी लगदा ही ना धोलना बस जीना नी देर बिना धोलना साडा किल्लियां दमा दम मस्त कलंदर सगी शाबाश कलंदर उदे दम दम दे अंदर दमा दम मस्त कलंदर सगी शाबाश कलंदर उदे दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी बत रखियो बला जुले लाल हो लाल मेरी ओ हो लाल मेरी पत रखियो बला जुले लालन सिंधड़ी दा सेवन दा सगी शाबाश कलंदर तमा तम मस्त कलंदर सगी शाबाश कलंदर दे दम दम दे अंदर तमा तम मस्त कलंदर सगी शाबाश कलंदर दे दम दम दे अंदर हो लाल मेरी हो लाल मेरी बाकी लोगों को क्या हुआ हाथ ऊपर जाइए मुझे ये सबसे अच्छा सेक्शन है ये वाला क्या बात है और दूसरे नंबर पे ये वाला यहाँ को सीरियस प्रॉब्लम है ओ मावनु पीरा बचने देना है ओ मावनु पीरा बचने देना है पैना नु देना है वीर मिला जुले लाल ओ पैना नु देना है ओ पैना नु देना है वीर मिला जुले लाल सिद्धड़ी दा सेवन दा सगी शाबाश कलंदर दमा दम मस्त कलंदर सगी शाबाश कलंदर ओदे दम दम दे अंदर दमा दम मस्त कलंदर सगी शाबाश कलंदर ओदे दम दम दे हो लाल मेरी हो लाल मेरी
घर तेरे ते पीरा नौबत बाजे, ओ घर तेरे ते पीरा नौबत बाजे, नाल बजे घड़े आए भला जुने लाल, हो नाल बजे घड़े आए भला जुने लाल, सिंदड़ी दा देवन दा सगी जावास कलंदर, तमा तम मस्त कलंदर सगी जावास कलंदर, ओदे द फंदे अंदर तमा तम मस्त कलंदर सगी जावास कलंदर, ओदे द फंदे अंदर, ओ लाल मेरी चार चराग तेरे बलन हमेशा, ओ चार चराग तेरे बलन हमेशा, पंजों बालन आई में भला जुने लालन, ओ पंजों बालन, ओ पंजों बालन आई में भला जुने लालन, सिंदड़ी दा देवन दा सगी जावा सिलंदर, तमा दम मस्त गलंदर सगी जावा सिलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा दम मस्त गलंदर सगी जावा सिलंदर, ओदे दम दम दे अंदर, हो लाल मेरी हो लाल मेरी। उचड़ा रोजा पीरा तेरा, ओ उचड़ा रोजा पीरा तेरा, हेड बगे दरे आवे भला जुने लाल, ओ हेड बगे, ओ हेड बगे दरे आवे भला जुने लाल, सिंदड़ी दा देवन दा सगी जाबास कलंदर, तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, अदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, अदे दम दम दे अंदर, ओ लाल मेरी हो लाल मेरी, ओ लाल मेरी पत रखियों बला दुने लारन, सिंदड़ी दा देवन दा सगी जाबास कलंदर, तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, अदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम दे अंदर तमा तो मस्त कलंदर सगी जाबास कलंदर, ओदे दम दम हेलो अल्लाह 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 ओ लारा अल्लाह 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 la la o kalandar mat aa o la la sunam kar ho la na o na 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 na
Allah, 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 Allah. अच्छा मुझे एक सॉन्ग की रिक्वेस्ट है. ये सॉन्ग मैंने खुद नहीं गाया हुआ, लेकिन मैं इस फिल्म का म्यूजिक डायरेक्टर था और ये गाना हमने राहत फतेह अली खान साहब से गवाया था. राहत फतेह अली खान जो है वो उनका ये गाना वो खुद मुझे बताते हैं कि उनके जितने भी सॉन्ग हैं सबसे ज़्यादा इसकी रिक्वेस्ट आती है. जब भी कहीं जाते हैं तो हमें बड़ी खुशी होती है. कभी कभी मुझे दुख भी होता है कि मैं खुद ही गा देता ये गाना, लेकिन मैं मजाक कर रहा हूँ. इट वेंट ऑन टू बिकम अ वेरी बिग सॉन्ग. ये विरसा फिल्म का है. आई वॉज वन ऑफ द प्रोड्यूसर्स, वन ऑफ द थ्री प्रोड्यूसर्स ऑफ विरसा, एंड आई वॉज अ म्यूजिक डायरेक्टर. इस गाने को मैं कभी भी गा सकता हूँ क्योंकि उसके राइट्स मेरे पास हैं, तो हम गा रहे हैं इसलिए. और रिक्वेस्ट भी है इसकी, तो इसलिए हम कर रहे हैं. मैं तेनू समझावा कि देखा, इसलिए मेरा दिल करता है कि मैं खुद ही गा देता. ये मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजू लगदा जी. मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजो लगता जी. हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा. तू दिल तू यू जान मेरी, मैं तेनू समझा ऊंची आवाज में. न तेरे बाजो हाय तू की जाने प्यार मेरा, मैं करा इंतजार तेरा. तू दिल तू यू जान मेरी,
मैं तेनू समझावा कि न तेरे बाजो लग दाजी म्यूजिक के बगैर गा रहे हैं हम थोड़ा सा रखे मेरे दिल विच रह के मेरे दिल दा हाल न जाने तेरे बाजों कलिया बैके रोंदे नैन न माने जीना मेरा हाय मरना मेरा नाल तेरे सी कर इतबार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यू जान मेरी मैं तेनू समझावा की न तेरे बाजो लग दाजी वे चंगा नहीं कीता बीबा वे चंगा नहीं कीता बीबा दिल मेरा तोड़ के वे बड़ा पछताया खा वे बड़ा पछताया खा तेरे नावे जोड़ के सुंजियां सुंजियां दिल दियां गलियां सुंजियां मेरियां बावां आ जा तेरियां खुशबुआं नूं लभदियां मेरियां सावां तेरे बिना करार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यू जान मेरी मैं तेनू समझावा की जो लगता जी आए तू की जाने प्यार मेरा मैं करा इंतजार तेरा तू दिल तू यू जान मेरी मैं तेनू समझावा की ना तेरे बाजू लग दाजी अच्छा बताएं हम पाकिस्तान का एक सॉन्ग कर लें सो आई विल हैव टू पुट यू पीपल टू अ लिटिल इनकन्वीनियंस फॉर द फर्स्ट टाइम आप सबको खड़ा होना पड़ेगा बिकॉज इट इज अ नॉर्म विद अस व्हेनेवर वी डू दिस सॉन्ग वी स्टार्ट द सॉन्ग विद द नेशनल एंथम सो यू आर ओनली स्टैंडिंग अप इन ऑनर एंड रिस्पेक्ट ऑफ द नेशनल एंथम मेरे कहने पर नहीं सिर्फ हो रहे ओके Okay, I'll do this song, definitely. This will be the last song, actually, of the night. No, not this one. The one that you mentioned, actually, on that piece of paper. Okay, so is everybody ready to recite it with me? Mere saath gaayenge? Padhenge unchi awaaz mein? Wo meri pehchaan Pakistan, jo hum keh rahe hain na, ye us... हवाले से पहला सॉन्ग है जो हम आज रात कर रहे हैं पहले मैंने इसलिए नहीं किया मैंने कहा पहले कुछ अच्छा नहीं लगता अभी हम आपस में लड़ रहे हैं तो साथ ही पहचान पाकिस्तान कर दें तो झूठ सा लग रहा था मुझे लेकिन अब मुझे लग रहा है सच है ऐसा ही है एक ताली बजाएं अगर आपको लग रहा है जी हाँ इसके बाद दूंगा भट्टी साहब ओके मैं स्टार्ट कर रहा हूँ जी एफ पाक सरजमीन शाबाश
हसीन शाबाश। मरकज़े यकीन शाबाश, पाक सरज़मीन का निज़ाम। कौम मुल्क सल्तनत बाइंदा ताबिंदा बाद शाबाद फंजले मुराद। परचमे सितारा हिला तर्जमाने माजी शाने हाँ साया खुदाए जुलजला। I'm dedicating this song to all the Pakistanis living in Pakistan or outside of Pakistan, wherever in this world, with love, with the message of love, brotherhood and peace. Thank you so much. You can sit down now. रहे ना रहे ये जीवन कभी बनिए रहे दोस्ती है तेरी कसम ओ यारा मेरे जुदा हम ना होंगे कभी। हमेशा रहे तू साथी मेरा ये बंधन रहे यूं सदा। ये ताकत तेरी ये कुवत तेरी बड़े है मेरी ये दुआ। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। एफ शार्प ले लो, एफ शार्प ट्रांसपोज करो, हाथ ऊपर जाइए। ओ दिल के है अंदर तेरा ही प्यार तुझ पे है ये जान निसार। तेरा जो गम है वो मेरा है गम तेरी खुशी है बहार। है तेरी जो जी मेरी वो जी तेरी हार में मेरी हार। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार सदा रहे तू सलामत। तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ ओ। एक सेकंड एक सेकंड, मुझे बताया गया कि यहाँ कौनसल जनरल साहब बैठे हुए हैं, प्लीज कम ऑन द स्टेज। अ वेरी रेलेवेंट मोमेंट टू कॉल हिम ऑन स्टेज, प्लीज गिव हिम अ बिग हैंड। क्या तो ही विल जॉइन मी ऑन स्टेज एंड वी विल कंटिन्यू द सॉन्ग।
क्या बात है, हाथ ऊपर जाइए भाई। ओ मिलके बिताए जो पल हम कभी, फिजाएं ये खिलती उठे, जब आमर्दी हिम्मत से है जिंदगी, हवाएं ये कहने लगे, हंसी ये समां झूमे जहां, गाए जमी आसमां। ओ मेरे यार तू मेरा प्यार, सदा रहे तू सलामत, तेरी मेरी ये दोस्ती यूं ही रहे ता कयामत। ओ ओ ओ जीवे 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 पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ओ जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। मन पंछी जब पंख हिलाए, क्या क्या सुर बिखराए हो, क्या क्या सुर बिखराए, मिलने वाले सुने तो उनमें एक ही धुन लहराए हो, एक ही धुन लहराए हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। झूल गए दुख झीलने वाले, झील गए दुख झीलने वाले, अब है काम हमारा हो, अब है काम हमारा, एक रहेंगे एक रहेगा, एक है नाम हमारा हो, एक है नाम हमारा हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। बिछड़े हुआ को बिखरे हुआ को एक मरकज पे लाया हो, एक मरकज पे लाया, कितने सितारों के झुरमट में सूरज बन कर आया हो, सूरज बन कर आया हो। पाकिस्तान 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 जीवे पाकिस्तान, जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। ओ जीवे 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 पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान, पाकिस्तान पाकिस्तान जीवे पाकिस्तान। सोनी धरती अल्लाह रखे कदम कदम माबा,
कदम कदम आबा तुझे, कदम कदम आबा तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। तेरा हर एक जल्ला हमको अपनी जान से प्यारा, तेरे दम से शान हमारी, तुझसे नाम हमारा। जब तक है ये दुनिया बाकी, जब तक है ये दुनिया बाकी, हम देखे आजाद, हम देखे आजाद तुझे, हम देखे आजाद तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। कदम कदम आबा, कदम कदम आबा तुझे, कदम कदम आबा तुझे, सोनी धरती अल्लाह रखे। एक मैंने गाना गाया था अभी रिसेंटली, जो पाकिस्तानी टीम ने ऐसे समझा है कि जो उस गाने में है वही करना चाहिए। तो मैं वो गाना तो गा देता हूं, लोग कह रहे हैं, लेकिन इस उम्मीद के साथ कि वो हारेंगे नहीं। और कभी ऐसा भी हो सकता है कि वो हारे, बार बार हारते रहे, तो हम उन्हें प्यार करना भी बंद करते हैं थोड़ी देर के लिए। तो ऐसा नहीं होना चाहिए, लेकिन हम गाना फिर भी गा रहे हैं। पर तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। तुम सुर्ख रू हो गए, तुम जो करो हौसला, जीतोगे तुम सदा है ये अपनी दुआ। पर तुम जीतो या हारो, सुनो हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है, हमें तुमसे प्यार है। हो जब ये हो खे आसमान आ रखे, ये जमीन आ रखे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। आसमान आ रखे जमीन आ रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। आसमान आ रखे ये अमाद आ जाओ। My brother is sitting here. He is based in London. Dr. Ahmad Ahmed. Please come on stage. Oh, asmaan aa rahe, ye zameen aa rahe, chahe marzi khuda ki ho kuch na rahe, par rahe dosti aur mohabbat sada, duniya mein sirf pyar zinda rahe. Asmaan aa rahe, ye zameen aa rahe, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। आसमान आ रखे ये जमीन आ रहे, चाहे मर्जी खुदा की हो कुछ ना रहे, पर रहे दोस्ती और मोहब्बत सदा, दुनिया में सिर्फ प्यार जिंदा रहे। Thank you very much, all of you, whoever has come on stage. Thanks for being here. Thank you so much. Thanks, Asma.
And I've taken your name on stage. Okay. She has come specially from London. She was saying that it has to be acknowledged. Thank you. Thank you so much. And Consul General Saab, I'm giving him the mic because I think right now it is a very important moment. Maybe he will try, he will want to say something to you. Thank you very much, Jawad. We really enjoyed your songs with the vigor you sang the song. और आपके जज्बात और आपके जज्बात और उसको हम सब यहाँ बहुत तहसीन देते हैं और हमें बड़ी खुशी हुई है कि बर्मिंघम में आप आए और हम लोगों को ये माहौल आपने अता किया और आपकी हुबल वतनी और वो सब अब से नहीं है, हमें पहले से ही सबको मालूम थे। स्पेशली इसलिए मैं यहाँ आया ताकि आपको मैं पर्सनली मिल सकूँ। पाकिस्तान जिंदाबाद। थैंक यू सो मच, बड़ी मेहरबानी। मैं एक जान, थैंक यू सो मच जी, बहुत शुक्रिया यार। थैंक यू, थैंक यू, टेक केयर। मैं आ रहा हूँ। आई एम डूइंग द लास्ट सॉन्ग एक्चुअली बिकॉज आई वॉन्ट टू फिनिश दिस शो एज आई ऑलवेज से आई वॉन्ट टू फिनिश दिस शो ऑन द हाइएस्ट नोट, सो वी आर डूइंग अ भंगड़ा इन द एंड। इज इट ऑल राइट? तो भंगड़ा मुझे इस गाने का कह रहे थे बहुत देर से लोग, तो मैं ही कर रहा हूँ सबके लिए। लेकिन जाने से पहले मैं एक बात आपको जरूर कहूंगा, यहाँ वकार और नाहिद यहाँ हैं, वो दोनों आ जाएं स्टेज पे, दोनों मौजूद हैं। गिव देम अ बिग हैंड, गिव देम, इतने अच्छे, दे हैव पुट अप 3 बिग शोज इन बर्मिंघम, लंदन एंड मैनचेस्टर। दे शुड कीप ऑन डूइंग दिस ग्रेट वर्क इन फ्यूचर टू। लेकिन मेरा एक मशवरा है इन दोनों को और तमाम और लोगों को भी, ये बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, ये जो लाइव शो होता है ना, लाइव शो, इसकी ड्यूरेशन जो असल में इंसानों के लिए ठीक होती है ना, वो सिर्फ 2.5 घंटे की होती है। 2.5 घंटे से ज़्यादा लाइव शो देखने की सकत नहीं होती इंसानों में, वो डाउन हो जाते हैं। इसीलिए फीचर फिल्म जो होती है, फिल्म देखने जो लोग जाते हैं, हालांकि होती है एंटरटेनिंग होती है, वो भी 2.5 घंटे से ऊपर नहीं जा सकते आप, तो उसकी ड्यूरेशन जो है वो 2 घंटे, 2.5 घंटे, इवन 1.5 घंटा भी होती है। इतना बड़ा शो जो होता है इतना लंबा, वो बोरिंग हो जाता है। आखिर मैं इस स्टेज पे 11 बजे के बाद आया हूँ, 11 बजे के करीब आया हूँ, और 6:30, 7:30 से लोग आना शुरू हो जाते हैं। तो ये लोगों को देखना चाहिए, आइंदा हम सबको देखना चाहिए। मैं जब आया हूँ बाहर से, मैं आ रहा था तो लोग जा रहे थे वापस, दे वर एक्चुअली गोइंग बैक, और उन्होंने मुझे कहा कि आप क्यों लेट आए हैं। मैंने कहा मैं तो यहाँ बैठा हुआ हूँ, मैं तो यहाँ इतनी देर से बैठा हुआ, मैं तो होटल में भी बैठा हुआ था, नोबडी कॉल्ड मी। होता ये है कि ज़्यादा आर्टिस्ट होते हैं, बिल्कुल होनी चाहिए, लेकिन इतने ज़्यादा मत करें, अब 10 बार और डाल लेंगे शो और लंबा हो जाएगा। ये मैं आपको सबको बहुत ज़्यादा मुबारकबाद देता हूँ कि आप इतनी देर तक बैठे रहें। अपने लिए क्लैप करें, आपके सबर का भी मैं इमरान, यू सैंग वेरी वेल, इमरान के लिए भी क्लैप करें, इज़ अ वेरी गुड सिंगर अपकमिंग। और जो हम लास्ट सॉन्ग कर रहे हैं वो सबको आता है, ये शादियों पे लोग इस पे डांस करते हैं, तो हम इसको करते हैं। थैंक यू नाही, थैंक यू वकार, बहुत शुक्रिया। ओके लास्ट जी, उच्चे अम जाजा वाली आख गई तेथों कुड़ी अज हार गई, तेरी सौ ठोला मर जाऊंगी मैं, जे तेरी मेरी गल ना बनी, जे तेरी मेरी गल ना बनी। हो 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 हा, उच्चे अम जाजा वाली आख गई तोवें कुड़े अज हार गई, तेरी सो ठोला मर जावांगी मैं, जो तेरी मेरी गल्ला बनी, जो तेरी मेरी गल्ला बनी। हो 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 हा, हाथ ऊपर जाइए शो मी हैंड, वो आपके आपके बेटे का नाम क्या था, आपकी बेटी का नाम है ना, ये हिना के लिए है, डेडिकेट कर रहे हैं।
I've said that. तू ए सारे जग तो सोना तेरे वर्गा होर नहीं दिल तेरे ते आया सजना दिल ते कोई जोर नहीं नेड़े होके कह जा दिए मैं कुड़ी कमजोर नहीं दुनिया तो मरनी मैं हार नहीं दुनिया तो मरनी मैं हार नहीं डर डर के होता है प्यार नहीं एक तू जो मेरे नाल होवे किसे दी मनु परवा नहीं हो हा उसे अमा जाजा वाली आग गई इतों एक घुड़े आज हार गई तेरी सो ठोला मर जावांगी मैं ये तेरी मेरी गल्ला बनी ये तेरी मेरी गल्ला बनी हो हा ओ तू मेरा दिलदार है मैनू पल पल दसदी जावे सारे जग तो डाटिए पर मेरे तो शर्मावे मूंद पट्टे दे पल्लू बिच करके हसदी जावे तेरिया तीन तेरा मार गई तेरिया तीन तेरा मार गई पर पासे हासे खलार गई पड़का गई है टोली च बल हे अज तुम तेरी हुई हो हा उचे अमा जा वाली आग गई ते दोवे गुड़े अज हार गई तेरी सो ठोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल्ला बनी जे तेरी मेरी गल्ला बनी हो हा अच्छा पता क्या मुझे एक सेकंड यार एक सेकंड अच्छा मुझे बीट यही रहेगी मुझे भंगड़ा चाहिए आप लोगों से अगर नहीं खड़े होना तो बैठ के कर दें लेकिन करना जरूर है ओके हम बीट लगा रहे हैं वन टू थ्री फोर हाथ ऊपर भंगड़े के लिए जैसे हाथ ऊपर होते हैं स्टार्ट करेंगे 1 2 3 4 भंगड़े की बीट चाहिए भाई भंगड़ा 1 2 3 4 जी ये चाहिए बहुत आला कजला पांदी जावे हो सोनिया अखियां दे विच पर पर कजला पांदी जावे गल करे ते सिर नू चट के गुत हलांदी जावे जिवें जिवें मैं तकदा जावां कुल आंदी जावे एहो अदा ओदी मार गई एहो अदा ओदी मार गई कहके जदों दी ओ नार गई तन मेरी उम्र लग जावे ए जिंद तदवारी गई हो हा उच्चे अमा जाजा वाली आख गई ते तोवे घुड़े अज हार गई तेरी सो ठोला मर जावांगी मैं जे तेरी मेरी गल्ला बनी जे तेरी मेरी गल्ला बनी हो हा लास्ट स्टैंजा मुझे हाथ ऊपर जाएंगे शो मी योर हैंड ऐसे थैंक यू पर पर कजला पांदी जावे गल करे ते सिर नू चट के गुत हलांदी जावे जिवें जिवें मैं तकदा जावां कुल आंदी जावे एहो अदा ओदी मार गई एहो अदा ओदी मार गई कह के जदों दी ओ नार गई
तन मेरी उम्र लग जावे ए जिंद तत्वारी गई हो उच्चे अम्मा चाचा वाली आख गई तूं गुड़े अज हार गई तेरी सो ढोला मर जावांगी जे तेरी मेरी गल्ला बनी जे तेरी मेरी गल्ला बनी हाय हाय जे तेरी मेरी गल्ला बनी ओके मैनू पल पल दसती जावे सारे जग तो डाटिए पर मेरे तो शर्मावे मूं दुपट्टे दे पल्लू विच करके हसती जावे मेरिया तेरे दरा मार गई मेरिया तेरे दरा मार गई हर पासे हासे खलार गई मनगा गई है डोली च बाल हे अज तुम तेरी हुई हो 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 हा उच्चे अम्मा चाचा वाली आख गई हाय हे तू मैं गुर अज हार गई तेरी सो ढोला मर जावांगी जे तेरी मेरी गल्ला बनी जे तेरी मेरी गल्ला बनी हाय हाय जे तेरी मेरी गल्ला बनी जे तेरी मेरी गल्ला तबरेज जे तेरी मेरी गल्ला बनी है जे तेरी मेरी गल्ला बनी जे तेरी मेरी गल्ला बनी है जे तेरी मेरी गल्ला बनी 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 थैंक यू Love you all. Bodhirvani, Birmingham. Thank you so much. Thanks for your love. Thanks for staying here for so long. Khuda Hafiz.